तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं जनाब ज़ुबैर मंजूर, क्रिकेट की दुनिया आपके साथ है। तमाम दोस्तों को DPL सीज़न 6 आज के दिन का सेकंड लास्ट नाइट का आखिरी मैच का खेल जारी है और आज का पहला मैच जो है वो लूज़ किया था क्वालिफायर 1 का। बॉलिंग साइड फादमिया चन्नू, उसामा अली, उरम चकवाल, जलाद खान और ताहिर यूनाइटेड वर्सेस मुगल राइजिंग स्टार, बिल्कुल म्यूनसिपल स्टेडियम दपालपुर में, जिसे पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जाता है DPL। आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को एक मरतबा शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एक बार फिर तमाम दोस्तों को वेलकम DPL और बड़ा शानदार वर्क यहाँ पे स्पोर्ट्स इन्फो की जानिब से, बेहतरीन वर्क और ऑल सोशल मीडिया आपको तमाम मैचेस की अपडेट। और आज के दिन का आखिरी मैच मुगल राइजिंग स्टार प्रिंस ऑफ दपालपुर के दरमियान खेला जाएगा। आज का पहला जो क्वालिफायर खेला गया था उसमें लूज़ किया था उरम चकवाल, फादमिया चन्नू, सामा अली, जलाद खान जो गेस्ट प्लेयर हैं, और शानदार मैच विन किया था, बेहतरीन बैटिंग की थी तमूर मिर्ज़ा छोटा विकी ने। उसके बाद दूसरा मैच मुगल राइजिंग स्टार इंसाफ टाइगर के दरमियान खेला गया, जो वन साइड 4 ओवर में 88 रन चेस किए तमूर ने। आजी, नासिर पठान और उमैर भट्ट की बड़ी शानदार बैटिंग थी। और अब फिर से आज के दिन का आखिरी मैच ये सेमीफाइनल मैच है, मिले जो टीम यहाँ से मैच विन करेगी फाइनल में कल टकराएगी प्रिंस ऑफ दपालपुर से, सॉरी कलंदर ऑफ दपालपुर से। आप तमाम दोस्तों ने एक एक मरतबा वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। इनिंग का पहला ओवर करने के लिए तैयार, बॉलिंग के निशान पर मौजूद जलाद खान लेफ्टी बॉलर, स्ट्राइक पे मौजूद इस टूर्नामेंट के सिक्सर प्लेयर, सबसे ज़्यादा छक्के लगा रखे हैं नासिर पठान ने। क्या जहाँ से एंड किया आज के पहले मैच, वहीं से आगाज़ करेंगे इस टूर्नामेंट में। बड़ी शानदार बल्लेबाजी, अपनी पावर को शो किया, अपनी गेम को शो किया, बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस दिस सीवन DPL सीज़न 6 दपालपुर पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप। आज के पहले दो मैचों में शाइगर ने क्रिकेट की बड़ी ज़बरदस्त तादाद देखने को मिली और इस टूर्नामेंट की खूबसूरती फैमिली जो है वो भी इस टूर्नामेंट को जॉय करती है और फैमिली डग आउट भी है इसमें स्पेशल फैमिली के लिए। आप तमाम दोस्त एक एक बटवा वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और बिल्कुल 1 2 3 गेम ऑन। जलाद खान इनिंग का पहला ओवर, पहला बॉल डिलीवर करेंगे इस बार, तो आप पिंदास का है कैच कॉल देखना पड़ेगा। शानदार यहाँ पे बेहतरीन एफर्ट थी फाहद मियाँ चन्नू की, कैच है बिल्कुल यहाँ पे पिक नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे कोशिश ज़रूर की फादमिया चन्नू ने, अच्छी कोशिश थी यहाँ पे फादमिया चन्नू की। और मेरे साथ मौजूद हैं वारिस अली जाट, इंशाल्लाह आपको बॉल टू बॉल अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, वेलकम DPL सीज़न 6 में आज की नाइट के दूसरा मुकाबला, और जलाद खान है बॉलर, सामना करेंगे मैरी भट्ट। दूसरा गेंद, शॉट खेला है बिल्कुल बड़ी बेहतरीन सिलेक्शन, बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में कामयाब हुए 6 रन के लिए। रिप्ले में आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां पर एक तगड़ा शॉट खेला मैरी भट्ट फ्रॉम फैसलाबाद, पूरे DPL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और एलिमिनेटर 2 मुकाबला है, जो टीम विन करेगी कल कलंदर्स के साथ फाइनल खेलेगी। बिल्कुल इन दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस कर रखा है। वंस अगेन जलाद खान स्ट्राइक करेंगे उमैर भट्ट, इस मरतबा पैर का सिग्नल का वेट किया जाएगा। बिल्कुल ये जो बॉल है ये लीगल करार नहीं पाएगा, ये आप चेक करें थोड़ा सा विकेट से पहले जो है वो बाउंस किया जलाद खान ने। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, उमैर भट्ट और नासिर पठान, नासिर पठान नंबर 1 पे इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगा रखे, सबसे ज़्यादा रन और नंबर अगर
दो पे बात की जाए तो वो उमेर भट्ट है इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी। क्या लगता है आपको वारिस अली जट के 7 रन बगैर किसी नुकसान के 2 लीगल गेंदें हुई है, कितने रन बनाने में कामयाब होगी यहाँ पे बैटिंग साइड मुगल राइजिंग स्टार? दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग है जुबैर भाई, और यहाँ पर कम से कम 100 प्लस रन तो लाजमी करने होंगे क्योंकि पहला मैच जरूर लूज किया है क्वालिफायर, तो वो भी प्रेशर जरूर होगा टीम ताहिर यूनाइटेड पर, तो तीसरा लीगल गेंद करवाने के लिए दौड़ेंगे जलाद खान। शॉट खेला है, बॉल हवा में, फील्डर वहां पर बिल्कुल मौजूद हैं और यहां पर बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे सियालकोटी मुंडा ओसामा अली सियालकोट, एक बड़ा कैच लेने में कामयाब हुए और बड़ी कामयाबी मिलेगी यहां पर जलाद खान को मैरी बट की सूरत में। नुकसान बिल्कुल होगा यहां पर टीम मुगल राइजिंग स्टार का और बिल्कुल यहां पर टीम मीटिंग बुलाई गई है, शॉर्ट मीटिंग है, शॉर्ट मीटिंग है, कंप्लीट होगी मीटिंग और बिल्कुल इनाम देने के लिए आ गए हैं। हौसला अफजाई बिल्कुल जारी है ताहिर यूनाइटेड वर्सेस मुगल राइजिंग स्टार्स। तमाम तर दोस्तों ने एक एक मरतबा वीडियो को लाइक करना है, साथ में शेयर लाजमी करना है। ऑल पाकिस्तान के प्रोफेशनल पेज जिस पर आप ये तमाम तर लाइव मनाजर देखते हुए स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान की तावन से 3 गेंदों पर 7 रन से एक बड़ा विकेट, 2 गेंदों पर 6 रन बनाए मैरी बैट फ्रॉम फैसलाबाद ने। चौथा गेंद जलाद खान को बिल्कुल समझा रहे हैं किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल, नए आने वाले बल्लेबाज तैमूर नियाजी। बिल्कुल एक बहुत कीमती विकेट हो सकता है बॉलिंग साइड ताहिर यूनाइटेड के लिए, एक शानदार कैच लिया यहाँ पे, कोई गलती नहीं की उसामा अली ने, उनको मालूम था अगर कैच ड्रॉप करेंगे तो मैच ड्रॉप कर देंगे, एक बेहतरीन कैच भी किया। अब तैमूर नियाजी जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी शानदार बैटिंग की थी उमेर भट्ट के आउट होने के बाद, अब ये जो मैच है 2-1 मैच है। वंस अगेन जलाद खान दौड़ना शुरू किया, बॉल डिलीवर करेंगे, जबरदस्त यहाँ पे शॉट खेला मिड विकेट पे, खूबसूरत छक्का, छक्के से आगाज किया यहाँ पे तैमूर नियाजी ने। अगर तैमूर नियाजी की बात की जाए तो बड़े जबरदस्त टाइमिंग करें, चेक करें, बड़ा खूबसूरत शॉट खेला, कोसो मील बोल या दूर जाएगा और ये ग्राउंड में बॉल लेने नहीं जाएगा क्योंकि शाइक ने क्रिकेट इस बॉल को आसानी से ले जाएंगे। बड़ा बेहतरीन शॉट सिलेक्शन था यहाँ पर तैमूर नियाजी का और ग्राउंड कमेंटेटर है मार आरफ सियाल वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इसमें अर्थवा स्लो बॉल किया है, डॉट करवाने में कामयाब हुए यहाँ पर जलाद खान और सामाली सियालकोट बिल्कुल आएंगे जलाद खान को कुछ समझाने के लिए। ये देखें बॉल, अब स्लो बॉल था बिल्कुल, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन डॉट हुए, दाद दिया वहाँ पर उसामाली सियालकोट ने और किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल और जैनी लेफ्टी यहाँ पर समझा रहे हैं जलाद खान को। 5 गेंदों पर 13 रन दे रखे हैं, छठा और आखिरी बॉल करवाने के लिए बिल्कुल तैयार यहां पर जलाद खान। 13 पे 1 0.5 छक्का आया, उसके बाद अच्छी वापसी की डॉट बॉल की सूरत में। अगर देखा जाए टेबल क्रिकेट के व्यू से तो एक अच्छा ओवर है, आखिरी बॉल करेंगे, आखिरी बॉल डिपेंड करेगा इस मरतबा गेंद अप इन द स्काई और फील्डर मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं, सर के ऊपर से बॉल को महसूस करेंगे, बिल्कुल क्राउड में जाके ये बॉल गिरेगा 6 रन के लिए, अच्छी वापसी। रीप्ले में चेक करें, बिल्कुल अगला बॉल था, पाउंस इस बॉल को उठाया, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया और खूबसूरत छक्का यहाँ पे, दूसरा छक्का इस इनिंग में लगाने में कामयाब। तमाम दोस्तों ने कमेंट जरूर करना है कितना टारगेट बनाने में कामयाब होगी बैटिंग साइड मुगल राइजिंग स्टार, उनके अगेंस्ट इस टूर्नामेंट की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, एक मैच सिर्फ लूज किया है क्वालिफायर 1 का टीम कलंदर से, और अगर बात की जाए तो गेस्ट प्लेयर की पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल प्लेयरों पे ये मुश्किल टीम, एक ओवर का खेल मुकम्मल 19 पे 1। पहले ओवर में एक विकेट जरूर आया जलाद खान ने लेकिन 3 सिक्स आए उनको और 19 रन बना रखे हैं मुगल राइजिंग स्टार्स ने। कोशिश जरूर होगी वहां पर नासर पठान तैमूर नियाजी की कि एक बड़ा टारगेट सर्च करें क्योंकि 3 ब्रांड खेल रहे हैं उसामा अली सियालकोट, फाहद मियां चन्नू, किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल। 4.5 के लोग बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं रात के इस पहर भी, तो एक एक बार अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो व्यूअर्स की दाद बिल्कुल हमारे पास टन के हो जाएगी, मोहब्बत प्यार आप लोगों ने बांटना है। 19 रन आए हैं पहले ओवर में, दूसरा ओवर करवाने के लिए यहाँ पर
मिर्जा सुलेमान पहला बॉल करेंगे। इसमें तो शॉट खेला है और शॉट बाउंड्री है बैक साइड पे, दो रन मिल जाएंगे, 21 रन हो गया बढ़ता हुआ स्कोर। इसी के साथ ही सदी अहमद राजपूत स्टेट अंपायर। जीतने वाली टीम कल तैमूर मिर्जा के मध्य मुकाबला होगी, फाइनल मुकाबला होगा, लास्ट नाइट होगी डीपीएल सीजन 6 की, रौनकें कल खत्म हो जाएंगी। पहली बॉल दो रन से आगाज किया, अच्छा आगाज अगर देखा जाए तो रन आने चाहिए, सिंगल हो डबल हो, क्योंकि जब आपके रन आएंगे तो स्कोर बोर्ड जरूर चलेगा। तो सलमान मिर्जा एक बेहतरीन बॉलर हैं, क्या वापसी करेंगे इस ओवर में, दूसरा बॉल डिलीवर करेंगे, फुल टॉस बॉल, खूबसूरत शॉट यहाँ पे मिड विकेट पे, तमोर न्यासी के बल्ले से बिल्कुल यहाँ पे छक्का देखने को मिलेगा, पहला छक्का इस ओवर में, और सॉरी तमोर न्यासी नहीं, नासिर पठान के बल्ले से जबरदस्त शॉट यहाँ पे, नासिर पठान का बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पे, यार यहाँ ग्रुप का जो है वो ब्रांड यूज करते हुए नासिर पठान एक्सीलेंट बैटिंग। दिस टूर्नामेंट एक यादगार टूर्नामेंट होगा, अगर सीजन मेरे ख्याल से 4 की बात की जाए तो बड़ा शानदार नासिर पठान ने 27 रन पे एक 1.2। सलमान मिर्जा तीसरा लीगल गेंद करवाने के लिए सलमान मिर्जा बिल्कुल तैयार हैं, सामना करेंगे ब्रांड ऑफ फैसलाबाद नासिर पठान, 3 गेंदों पर 9 रन बना रखे हैं। फाइनल कल होगा इंशाल्लाह। मिर्जा सलमान इसमें तो अगेन शॉट खेला है, बड़ी बेहतरीन सिलेक्शन, नासिर पठान 4 गेंदों पर 15 रन, साथ में 9 बॉल है, फ्री हिट भी लेके यहां पर बगैर बॉल के 7 रन दे दिए यहां पर मिर्जा सलमान, बिल्कुल उसामा अली सियालकोट बिल्कुल आ गए हैं वहां पर, खुरम चकवाल बिल्कुल परेशान जरूर है, फाहद मियां चन्नू को मजबूर कर दिया अपने पास बुलाने पर, जैनी लेफ्टी बिल्कुल वहां पर मौजूद हैं, और टीम मीटिंग जारी है, कुछ समझाया जा रहा है मिर्जा सलमान को। नासिर पठान बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप 6 लगा रखे हैं डीपीएल सीजन 6 के। सॉरी सलमान मिर्जा ने, और बिल्कुल आज के दिन अगर बात की जाए तो क्वालिफायर फर्स्ट मैच में जो आज का दिन खेला गया था उसमें भी कोई बेहतरीन बॉलिंग नहीं करवा पाए थे सलमान मिर्जा, फ्री हिट है क्या, इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाएंगे, बोनस कहा जाता है फ्री हिट को, क्या इस पर बाउंड्री हासिल करेंगे नासिर पठान, बिल्कुल नासिर पठान अगेन अनदर 6 रन, वेरी वेल डन बैटिंग नासिर पठान के बल्ले से, इस टूर्नामेंट का जो है वो 35 छक्के आ गए हैं, 35वां छक्का यार, ये देखें चेक करें आउटस्टैंडिंग, थोड़ा उस टाइम पे बॉडी पे ये बॉल आया जिसे मिड विकेट पे खेल दिया छक्के के लिए नासिर पठान ने, वेरी वेल डन नासिर पठान, 40 रन स्कोर बोर्ड, 3 गेंदों पर 21 रन दे रखे हैं सलमान मिर्जा ने, काफी महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में, और 1.3 ओवर 40 रन बढ़ता हुआ स्कोर, एक विकेट का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन नासिर पठान बिल्कुल वहां पर मुश्किलात का शिकार नहीं है, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 5 गेंदों पर 21 रन बना रखे हैं 3 छक्कों की मदद से। .2 के लोग बिल्कुल मोहब्बत प्यार बांटते जाएं, ले जीज मिर्जा सलमान दौड़े, बॉल किया आगे शॉट के लिए लेकिन शॉट बाउंड्री, 2 रन का इजाफा होगा, 42 रन हो गया बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ ही। ये देखें आप रिप्ले में स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान, ग्रेट टीम वर्क, मेहनत रंग ला रही है, टेबल को अरूज मिल रहा है, डीपीएल सीजन 6 का एक बड़ा मुकाबला बिल्कुल जारी, सलमान मिर्जा ताहिर यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए। नासिर पठान डेंजर मैन विकेट पर बिल्कुल मौजूद हैं और स्ट्राइक संभाल रहे हुआ है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मिर्जा सलमान को परेशान कर रखा है उन्होंने,
मिर्जा सलमान एक मरतबा फिर बॉल करवाने के लिए दौड़ेंगे। इस मरतबा गेंद शॉट, अंपायर कॉल जरूर देखनी पड़ेगी, अंपायर कॉल छह रन। सदी अहमद राजपूत, फखरे उकाड़ा, बड़ी बेहतरीन सिलेक्शन। ये देखें क्या कमाल शॉट है यार, और ग्रेट कैमरा वर्क, स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान टीम वर्क, ग्रेट वर्क, शानदार। यहाँ पे बैटिंग का सिलसिला जारी है, 7 गेंदों पे 29 रन बना रखे हैं। स्कोर बोर्ड नासिर पठान, तमूर नियाजी 3/12। अगर इस ओवर की बात की जाए तो काफ़ी महंगा ओवर, 3 छक्के 2 डबल 1 नो बॉल। आखिरी लीगल गेंद डिलीवर करेंगे सलमान मिर्जा, इस मरतबा गेंद बॉल को रवाना किया लॉन्ग ऑन पे नासिर पठान ने छक्के के लिए। जबरदस्त यार, ये चेक करें क्या खूबसूरत पाँव से इस बॉल को, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया, क्लासिकल बैटिंग यहाँ पे नासिर पठान। काफ़ी महंगे साबित हुए इस ओवर में भी, सलमान मिर्जा बेहतरीन बॉलिंग करने में नाकाम। इसी के साथ 2 ओवर का खेल मुकम्मल, 2 ओवर के अख्ताम पे 54 पे 1। उमैर पट जो हैं वो मीटिंग जारी है, आप देख सकते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है नासिर पठान में, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार परफॉर्मेंस दे रखी है। और ये जो बेहतरीन आपको बॉल टू बॉल अपडेट, खूबसूरत लाइव कवरेज देखने को मिल रही है DPL 6 स्पोर्ट्स इन्फो, शानदार यहाँ पे वर्क जारी है और ग्राउंड के चारों तरफ से आपको व्यू दिखाया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए, इस मैच में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सदी राजपूत उकाड़ा, और उनके साथ मौजूद हैं लेजेंड प्लेयर राव मिरान रावलपिंडी। 2 ओवर में 54 रन आ गए हैं और 35 रन का काफ़ी महंगा ओवर किया यहाँ पर मिर्जा सलमान ने। तीसरा ओवर करवाने के लिए वहाँ पर जलाद खान को बुला लिया गया है, क्या जलाद खान अपनी टीम के लिए यहाँ पर वापसी करेंगे। 5.7 के लोग बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप लोग एक एक बार तमाम तर पेजेस से वीडियो को शेयर करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक करेंगे तो व्यूवर्स की तादाद यहाँ पर 10K हो सकती है। मोहब्बत प्यार आप लोगों ने बांटना है टीम स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान के साथ। जलाद खान पहला बॉल, पहला शॉट खेला है, कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल पास से बॉल गुजरेगा 6 रन के लिए, बड़ा बेहतरीन सिलेक्शन यहाँ पर तैमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पर टीम मुगल राइजिंग स्टार्स। जैनी लेफ्टी को एक मरतबा फिर मजबूर किया अपने पास आने पर जलाद खान ने, 60 रन आ गए हैं पहली 13 गेंदों पर। कितना टारगेट लग रहा है आप दोस्तों को, कमेंट्स करके आप लोगों ने जरूर बताना है कितने रन का टारगेट सेट करेगी यहां पर मुगल राइजिंग स्टार्स की टीम। नासिर पठान और तैमूर नियाजी चार्ज कर रहे हैं, 4 गेंदों पर 18 रन बना रखे हैं। बिल्कुल यहां पे गेंद जलाद खान बॉल किया, खूबसूरत शॉट खेला, बिल्कुल यहां पे स्क्वायर लेग पे खेला, इस मरतबा अगेन छक्का आ जाएगा। ये चेक करें आप, बेहतरीन यहां पे स्लो वन बॉल को पिक किया, खूबसूरत टाइमिंग यहां पे, शानदार बल्लेबाजी तमूर नियाजी, 2 गेंदों पे 2 लगातार छक्के, आउट क्लास बैटिंग यहां पे। अगर बात की जाए ताहिर की, ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो काफ़ी महंगी साबित हो रही है ये बॉलिंग लाइन यहां पे, मीटिंग जारी है बॉल टू बॉल। ये फहद मियां चनू आप चेक करें, काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे हैं जलाद खान से, उरम चकवाल सामाली, क्योंकि मालूम है कि गलती की गुजाइश ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग साइड ने। क्या लगता है दोस्तों क्या वापसी होगी, अगर इस जोड़ी को तोड़ जाते हैं एक विकेट भी आ जाता है तो बिल्कुल, क्योंकि जो न्यू आने वाला बल्लेबाज होगा उसे थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा इस विकेट पे। तीसरा लीगल गेंद करवाने के लिए जलाद खान, तीसरा गेंद, तीसरा छक्का आएगा दोस्तों, 3 गेंदों पर 18 रन, जलाद खान की यहां पर क्लास ले रहे हैं तैमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, खुद को साबित करते हुए DPL सीजन 6 में परफॉर्म करें, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया आपको देख रही है यहां पर, और तैमूर नियाजी बड़े मैच का बड़ा प्लेयर होने का सबूत दे रहे हैं यहां पर। और 3 गेंदों पर 18 रन आ गए, 72 रन पर जा पहुंचे रन की तादाद यहां पर टीम मुगल राइजिंग स्टार्स। जल्लाद खान भी परेशान है, परेशानियां बिल्कुल बढ़ती हुई टीम ताहिर यूनाइटेड के लिए। चौथा गेंद यहाँ पे क्या वापसी का रास्ता नजर आएगा जलाद खान को, देखना पड़ेगा। नहीं जनाब, वन सेकेंड पिलियन के ऊपर से जाएगा यह बॉल
और ये बॉल बिल्कुल जनाब जो दपालपुर सिटी का लारी अड्डा है वहाँ पे जाके जरूर गिरेगा ये बॉल। ये चेक करें, आउट क्लास यार, आउटस्टैंडिंग। पाक पतन तो दूर है लेकिन लारी अड्डा बिल्कुल करीब है। खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे तमूर न्याजी, वेरी वेल डन। क्या कमाल परफॉर्मेंस यार तैमूर न्याजी फ्रॉम फैसलाबाद, 7 गेंदों पर 36 रन बना रखे हैं दोस्तों। ऐसी परफॉर्मेंस को आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर किस परफॉर्मेंस को शेयर करना है? मोहब्बत प्यार बांटनी है, टेप बॉल के अगर आप लवर हैं तो वीडियो लास्ट में शेयर करेंगे। 78 रन हो गए हैं 2.4 ओवर, 4 गेंदों पर 24 रन आ गए हैं यहाँ पर जलाद खान को। और खुरम चकवाल बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जलाद खान के पास हैं और अंपायर से कुछ गपशप कर रहे हैं। खुरम चकवाल, जलाद खान बॉल का कुछ बता रहे हैं खुरम चकवाल। 4 गेंदों पर 4 छक्के आ गए हैं, चार्ज कर रहे हैं यहां पर स्टेट अंपायर राव इमरान। फाहद मियां चन्नू को बुला लिया उन्होंने अपने पास। बिल्कुल 4 छक्के आ गए हैं तो मीटिंग इस तरह की जरूर बनती थी और मेरे ख्याल से थोड़ा सा बॉल का जो है वो इशू आ रहा है, जो ग्रिप है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है जलाद खान को। लेकिन चले जी वो तो मसला दूर रहा, लेकिन तमूर न्याजी को यहाँ पर ज़रूर दाद देनी पड़ेगी। 100% दे रहे हैं अभी तक इस ओवर में, 7 गेंदों पर 36 रन बना रखे हैं, क्रीज पे मौजूद हैं। ये आप चेक करें बिलाल उमर बोधला है चेयरमैन ऑफ टूर्नामेंट, बिल्कुल यही इनकी खासियत है, खुद मसले को हल करने आ गए हैं। फादमिया चन्नू बॉल का थोड़ा सा इशू आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल बिलाल उमर बोधला साहब गुफ्तगू जारी है फादमिया चन्नू से। ले जी इशू कंप्लीट हो गया है और 5वां लीगल गेंद करवाने के लिए जलाद खान को बॉल थमा दिया गया है। जलाद खान 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए हैं वहां पर तैमूर न्याजी फ्रॉम फैसलाबाद ने और 16 गेंदों पर 78 रन बना रखे मुगल राइजिंग स्टार्स की टीम ने। मुगल राइजिंग स्टार्स की टीम लाठी चार्ज कर रही है और बिल्कुल लास्ट मैच में भी ताहिर यूनाइटेड की टीम बिल्कुल नाकाम हुई थी अच्छी बॉलिंग करने पर और 166 रन बना रखे थे वहां पर तैमूर मिर्ज़ा और छोटा विकी ने। तो अब डेंजर मैन मैरी भट्ट को जल्दी आउट कर लिया था लेकिन 7 गेंदों पर 36 तैमूर न्याजी, 8 गेंदों पर 35 नासर पठान, दोनों बिल्कुल यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं टीम ताहिर यूनाइटेड पर। किंग ऑफ एशिया यहां पर फाउंडर ऑफ डीपीएल मियां बिलाल उमर बोतला साहब से बिल्कुल गपशप कर रहे हैं। एक सौ छियासठ पहले आया बिल्कुल यहाँ पर फाहद मियां चन्नू जलाद खान को कुछ समझा रहे हैं कि अपनी बॉल करो क्या कर रहे हो। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान के तामन से तैमूर न्याजी कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा आज, 4 छक्के लगाकर विकेट पर मौजूद। 5वां गेंद करवाने के लिए जलाद खान एक मरतबा फिर तैयार, 5वां गेंद करेंगे यहाँ पर। बॉलिंगर से दौड़े अंपायर को क्रॉस किया, बॉल किया, शॉट खेले है, बॉल हवा में, फील्डर वहां पर बिल्कुल बॉल के नीचे आ रहे हैं
और यहां पर कैच ड्रॉप हो जाएगा। कैचेस विन मैचेस और एक रन का इजाफा होगा, एट्टी रन कंप्लीट हो गए हैं। तैमूर नियाजी और नासर पठान की बेहतरीन रनिंग। ये देखे बॉल काफी देर हवा में रहा जिसकी वजह से जज करने में मुश्किलात आई फील्डर को। तीन फील्डर वहां पर बिल्कुल जरूर मौजूद थे। खुरम चकवाल किंग ऑफ एशिया हमारी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, मोहब्बत प्यार आप लोगों ने बांटना है, वीडियो को एक एक बार लाजमी शेयर करना है। 7100 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान ऑफिशियल पेज एंड ऑल पाकिस्तान ऑफिशियल पेजेस पर। वंस अगेन जलाद खान 26 रन आ गए, आखिरी बॉल इस मरतबा थोड़ा सा बॉडी पे आया, पुल किया जिसे एक रन आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा ओवर नहीं रहा, काफ़ी महंगी साबित हुई अभी तक। ताहिर यूनाइटेड 3 ओवर 81 74 रन की पार्टनरशिप 16 गेंदों पे, जबरदस्त पार्टनरशिप। मुकम्मल हो चुका है, 81 पे 1 है। इनका चौथा ओवर किसे दिया जाएगा, ना सलमान मिर्ज़ा बेहतरीन ओवर कर सके, ना जलाद खान शानदार ओवर कर सके। अगर आखिरी ओवर की बात की जाए, 4 छक्के 1 डबल 1 सिंगल, काफ़ी महंगा ओवर, 27 रन आए जलाद खान को। विकटों पे मौजूद है तमुर नियाजी और तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मगर राइजिंग स्टार ने जो है वो टॉस विन किया था और बैटिंग कर रही है, जो उनके लिए काफ़ी कारामत साबित हो रही है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हुई। इससे पहले जो मैच विन किया वो 188 रन चेस किए थे अगेंस्ट इंसाफ टाइगर के। बैटिंग साइड राइजिंग मुगल राइजिंग स्टार ने, मीटिंग जारी है, ये ओवर जो है कैसा करेंगे। जैन लेफ्टी को लाया गया है, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट 2022 में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, अपना लोहा मनवाया टेबल क्रिकेट में, ऑल पाकिस्तान क्रिकेट को टच किया, ग्रेट ऑलराउंडर हैं। और अब बॉलिंग की जिम्मेदारी आई है, देखना पड़ेगा। मुश्किल वक्त में प्रेशर ज़रूर होगा क्योंकि 81 रन से मुराद है कि 5 ओवर का रन टेबल क्रिकेट के व्यू के बाद 5 ओवर का रन 3 ओवर में बना रखा है। और इस वॉइस ऑफ पाकिस्तान मेयर आरफ सियाल बड़ी खूबसूरत कमेंट्री करते हुए ग्राउंड शाइक ने क्रिकेट को अपनी खूबसूरत आवाज़ से लुत्फानंदोज करते हुए। वंस अगेन चौथे ओवर का पहला बॉल जैनी लेफ्टी बॉलिंग के निशान पे मौजूद हैं, 12 नंबर की जर्सी पहने, अपना पहला जो है वो लीगल बॉल डिलीवर करेंगे सामने। खतरनाक बल्लेबाज अभी तक तमुर नियाजी। अंपायर सिग्नल सदी राजपूत, बिल्कुल यहाँ पे वाइड बॉल का सिग्नल आ जाएगा। वाइड बॉल से आगाज़ किया जैनी लेफ्टी ने, थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार। और रिव्यू सिस्टम जो बड़ा खूबसूरत ये एक सिस्टम है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गिला शिकवा आपका नहीं रहता। तो अब चेक किया जाएगा जो अपील की गई है यहाँ पे जैनी लेफ्टी की, जिसको चैलेंज किया है सदी राजपूत के इस फैसले को, क्या ये लीगल बॉल ही है कि या वाइड बॉल रहेगा। अब आपको स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान का जो बेहतरीन कैमरा वर्क है नज़र आएगा। और ये देखें आप रिप्ले में, वाइट बॉल का रिव्यू लिया गया है। वाइट बॉल का रिव्यू लिया गया है टीम ताहिर यूनाइटेड की जानिब से। वाइट बॉल साथ में वन चेक भी दिया जाएगा। ले जी, अब जैनी लेफ्टी एक मरतबा फिर बॉल करवाने के लिए आएंगे, सामना करेंगे तैमूर नियाजी। बिना
जैनी लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट, सामना करेंगे तमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद। बगैर बॉल के एक रन दे दिया है और फाहद मियां चन्नू कुछ फील्डिंग में तब्दीली का अंपायर को बता रहे हैं। जैनी लेफ्टी बॉल करवाने के लिए दौड़ेंगे। पहला गेंद ग्राउंड शॉट खेला, बेहतरीन बॉल था और ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, एक ही रन का इजाफा होगा। एक बॉल पे दो रन दे रखे हैं जैनी लेफ्टी फ्रॉम फैसलाबाद ने। फाहद मियां चन्नू एक एक बॉल के बाद बॉलर के पास आ रहे हैं, समझा रहे हैं उनको इस मैच की अहमियत। वो जानते हैं कि ये मैच जीतना उनके लिए कितना ज़रूरी है। DPL सीजन 6 का फाइनल खेलना है जिस टीम ने, उसको ये मैच जीतना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह की बल्लेबाजी जारी है, अगर 6 ओवर मुकम्मल खेल गए तमूर नियाजी नासर पठान तो बिल्कुल 150 प्लस रन का जो टारगेट है वो सेट कर सकती है। अगर 150 से पहले रोकना है, वापसी करनी है जैनी लेफ्टी को, तो विकेट ज़रूर यहाँ पे लेना पड़ेगा। इस मरतबा अच्छी एफर्ट थी, थोड़ा बॉल ज़रूर मेरे ख्याल से टकराया और उसके बाद फाहद मियां चन्नू ने बैकअप किया। एक रन क्या, बगैर बाउंड्री के ओवर आएगा जैनी लेफ्टी का। अभी तक बेहतरीन वापसी की वाइड के बाद अगली दो गेंदें जो लीगल की हैं ये चेक करें। ये मेरे ख्याल से कैच आई थिंक ड्रॉप हुआ है और उसके बाद फाहद ने इसको बैकअप किया। बेहतरीन बॉलिंग दो गेंदें जो हैं वो लीगल कर रखी हैं जैनी ने। जैनी लेफ्टी का जो ताल्लुक है वो सियालकोट से है। ये जो नाम हम लेते हैं ये टेबल क्रिकेट में इनकी पहचान है। पाकिस्तान में जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो इनको इसी नाम से जानते हैं और टेबल क्रिकेट में यही नाम इन प्लेयरों की पहचान है। तमूर नियाजी 10 गेंदों पर 40 रन बना रखे हैं। जल्दी से कमेंट्स करना दोस्तों, आपने क्या अपने 50 रन मुकम्मल करेंगे तमूर नियाजी या जैनी लेफ्टी? अभी तक पहले 3 ओवर बेहतरीन साबित नहीं हुए, इस ओवर में थोड़ी एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं जैनी लेफ्टी। तीसरा गेंद करवाने के लिए बॉलिंग एड से दौड़े हैं। इस मरतबा शॉट खेल दिया है, बड़ा बेहतरीन शॉट, बड़ी बेहतरीन सिलेक्शन तमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद की। और 11 गेंदों पर 46 रन बना रखे हैं तमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद ने। परेशान कर रखा है तमाम तर बॉलर्स को जैनी लेफ्टी। बिल्कुल यहां पर मुस्कुरा रहे हैं तमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद क्योंकि बल्ला रन उगल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस अभी तक उमेर भट्ट, अगर इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दे रखी है, आज आउट हो गए तो उसके बाद जो जिम्मेदारी है ये उसको निभा रहे हैं। 11 पे 46 पे नॉट आउट तमूर नियाजी। इस मरतबा ग्राउंड शॉट खेला, फील्डर मौजूद हैं और एक बेहतरीन फील्डिंग जलाल खान की। बाउंड्री को बिल्कुल यहाँ पर सेव किया, एक रन का मजीद इजाफा, 90 रन स्कोर बोर्ड। बैटिंग साइड मुगल स्टार 3.3। क्या लगता है दोस्तों, क्या इस ओवर में ये जो दो गेंदें बाकी हैं बगैर बाउंड्री के ये दो बॉल करने में कामयाब होंगे जैनी लेफ्टी? यहाँ पर ताहिर यूनाइटेड की टीम को डॉट्स बॉल्स करवाना बड़ा ज़रूरी है। 4 लीगल गेंदों पर 10 रन दे रखे हैं जैनी लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट ने, तो 5वां गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार। सामना करेंगे नासर पठान फ्रॉम फैसलाबाद, पावर ऑफ पठान। 9 गेंदों पर 36 रन बना रखे हैं उन्होंने जैनी लेफ्टी। तमाम तर दोस्त 7.5 के लोग वीडियो शेयर करेंगे। इस मरतबा बड़ा बेहतरीन बॉल जैनी लेफ्टी, बेहतरीन वापसी। और ताहिर यूनाइटेड के चाहने वाले बिल्कुल चाहेंगे कि डॉट्स बॉल ज़्यादा से ज़्यादा आए, कम से कम रन हों जो चेस करने पे जाए टीम ताहिर यूनाइटेड। और मुगल राइजिंग स्टार्स के चाहने वाले चाहते होंगे कि एक बड़ा टारगेट सेट करके आए नासर पठान और तैमूर नियाजी। बिल्कुल, किंग ऑफ एशिया खोरम चकवाल की बात की जाए, 130-140 रन चेस करने की सलाहियत मौजूद है जैनी लेफ्टी को। यहाँ पे दांत देनी पड़ेगी प्रेशर में बॉलिंग करने के लिए। प्रेशर को हैंडल किया है, काफ़ी हद तक प्रेशर को हैंडल किया, स्कोर बोर्ड को रोका है। यहाँ पर स्कोर बोर्ड इस ओवर में कोई खासो खासा नहीं है। पहली बॉल वाइड की, फिर लीगल बॉल पर सिंगल, फिर से लीगल बॉल पर सिंगल, फिर लीगल गेंद पर छक्का, फिर सिंगल, फिर डॉट बॉल। तो 5 लीगल गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 10 रन आए हैं। वेरी वेल डन ओवर, अगर ये बॉल बगैर बाउंड्री के करते हैं तो एक बेहतरीन ओवर भी होगा, एक शानदार वापसी भी होगी। वंस अगेन जैनी लेफ्टी इस ओवर का आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे। बैटिंग पे मौजूद हैं, 36 रन बना रखे हैं 10 गेंदों पे। नासर पठान सामना करेंगे
What a brilliant delivery, yaar. Outstanding delivery. End of the over dot ball. Zanny lefty. चौथे ओवर में शानदार बॉलिंग की यार, ये चेक करें, आउटस्टैंडिंग यॉर्कर लेंथ पे, इसे बिल्कुल विकेट पे नहीं टकराया, विकेट को सेव कर गए नासर पठान। एक बेहतरीन ओवर यार जैनी लेफ्टी, वेरी वेल डन। चार ओवर 91 पे एक स्टार मुगल स्टार, क्या कमाल परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर जैनी लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट ने। एक बेहतरीन ओवर, जब 25-26 रन की एवरेज चल रही थी, बैट्समैन बना रहे थे, तो वहीं पर 10 रन पे ओवर कर दिया। जैनी लेफ्टी की तारीफ करनी बनती है दोस्तों, जैनी लेफ्टी के लिए एक एक लाइक आप लोगों ने करना है और वीडियो को जरूर लाजमी शेयर करना है अपनी आईडी पे, टाइमलाइन पे, ग्रुपों में, तमाम तर दोस्तों को वेलकम, ऑल पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल पेजेस पर। अब दो ओवर बाकी हैं तो आप लोगों ने कमिट्स करके लाजमी हमें बताना है कि कितने रन का टारगेट होगा। 6 ओवर्स में 91 रन बना रखे हैं यहाँ पर DPL 2022 नाइट 5 है जी, और कल इस इवेंट का लास्ट नाइट होगी और इस मैच की विनर मिर्जा तैमूर और छोटा विक्की के साथ फाइनल मुकाबले में टकराएगी। मोहब्बत प्यार आप लोगों ने बिल्कुल बांटना है स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान। और यहां पर किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल ने जैनी लेफ्टी का ओवर बचा लिया है और चौथा ओवर करवाने के लिए यहां पर पांचवा ओवर करवाने के लिए जमान खबा फ्रॉम देपालपुर, मुकामी टैलेंट पर अतमाद किया है और सामना कर रहे हैं तैमूर नियाजी फ्रॉम फैसलाबाद और किंग ऑफ एशिया यहां पर समझा रहे हैं जमान खबा को। तो यही चीज़ है दोस्तों, अगर आप ओपन प्लेयर के साथ खेलेंगे आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, अगर आप गलत बॉल करेंगे तो आपको सीनियर समझाएंगे। ये DPL का हुसन है, ये DPL सीजन 6 है दोस्तों, ये दपालपुर की क्रिकेट है और दपालपुर का यह टैलेंट है। अब आपको आपके सामने स्क्रीन पर जमान खब्बा, बिल्कुल वारिस भाई यहाँ पे अगर बात की जाए पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा, काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप है, 22 गेंदों पर 84 रन बना रखे हैं। मकामी बॉलर को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, अब देखना पड़ेगा क्या मकामी बॉलर बेहतरीन ओवर करेंगे। पहला बॉल जबरदस्त शॉट यहाँ पे, एक बेहतरीन कनेक्शन किया और शानदार छक्का यहाँ पे, और इसी छक्के के साथ 50 रन मुकम्मल। ये चेक करें, आउटस्टैंडिंग यार, अमेजिंग, ब्रिलियंट यहाँ पे पिक किया बॉल को तमोर नियाजी ने, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल। 13 गेंदों 53 रन बना रखे हैं 97 रन में तैमूर नियाजी ने, वेरी वेल डन तैमूर नियाजी, बिल्कुल यहां पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 13 बॉलें 53 रन बना रखे और मुश्किलात बिल्कुल बना रहे हैं ताहर यूनाइटेड के लिए। जमान का बाइक मरता फिर सामना करेंगे तैमूर नियाजी, लास्ट बॉल में बड़ा बेहतरीन शॉट गया था और मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना उनका आज बनता है, उन्होंने आज परफॉर्म किया है। और दूसरा गेंद जमान, इस मरदुआ गेंद शॉट खेले हैं और शॉट पे बाउंड्री है बैक साइड पे और 2 रन का इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया टीम स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान। 2 गेंदों पर 8 रन बना रखे हैं यहां पर आए हैं जुमान को, तैमूर नियाजी लेने में कामयाब हुए ये रन। और कमेंटेटर जुबैर एंड वारिस जट आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मोहब्बत बिल्कुल स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान टीम की। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे, खतरनाक इरादों के साथ वंस अगेन स्ट्राइक करेंगे, इस मरतबा खेल दिया बॉल को, फील्डर मौजूद हैं, शानदार फील्डिंग यहाँ पे, एक बेहतरीन कैच। और मैंने आपको जैसे बोला था पार्टनरशिप टूटेगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर वापसी होगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी बिल्कुल यहाँ पे खुशी मिली है, वापसी की राह है जो हमवार हुई है। टीम बॉलिंग साइड ताहिर यूनाइटेड चेक करें, हवा में बॉल था और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर जंप किया, रनिंग था, रनिंग में जाके जंप किया यहाँ पे मुदस्सिर ने, बड़ा खूबसूरत कैच, बॉल को बड़ी जोर से नीचे दे मारा, बनता था, एक बेहतरीन यहाँ पे कैच लिया। 15 गेंदों पर 55 रन बनाकर तैमूर नियाजी वापस गए हैं और जमान खब्बा फ्रॉम दपालपुर एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। ये मुकामी टैलेंट मैंने आपको ओवर से पहले दोस्तों बताया था कि खुरम चकवाल ने अगर जमान पे अतमाद किया है तो किसी वजह से किया था, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बेहतरीन बॉलर हैं और ये परफॉर्म कर सकते हैं।
और ओपन प्लेयर सामने तैमूर न्याजी थे, तो एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुए जमान खब्बा फ्रॉम दीपालपुर। तो नेक्स्ट बॉल करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं नए आने वाले बल्लेबाज सगीर पठान फ्रॉम चिकवाल। और सगीर सामना करने के लिए तैयार, जमान दौड़े, इस मरतबा बेहतरीन गेंद, दो रन मिलेंगे। और आपको बताते जाए, बॉलर्स की कोशिश होती है कि मुझे सिक्स या फोर ना आए, बल्कि दो रन देने में वो खुशी महसूस करता है, सिंगल डबल टेप बॉल में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। तो यहाँ पर एक बेहतरीन बॉल करवाने में कामयाब हुए, बड़ी अच्छी वापसी यहाँ पर ताहिर यूनाइटेड टीम की। जुबैर भाई बिल्कुल, मैं अक्सर कहा करता हूँ टेप बॉल क्रिकेट जो है हर बॉल पर रंग बदलती है, ये क्रिकेट है। पहले तीन ओवर 81 थे, उसके बाद बड़ी शानदार वापसी बॉलिंग साइड की, क्या ये वापसी जारी रहेगी। सगीर पठान वंस अगेन स्ट्राइक करेंगे, फुल टॉस बॉल जिसका फ़ायदा नहीं उठा सके, जिसे लॉन्ग ऑन पे खेलना चाहते थे, दो रन का मरीज इजाफा। जमान लेफ्टी की बात कीजिए, दीपालपुर के बड़े ही बेहतरीन बॉलरों में इनका शुमार होता है और स्टार्टिंग से ये टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं। और ये रेगुलर जो जब ये इवेंट होता है, वो पहले मेरे ख्याल से जो हैं वो जमान दीपालपुर कलंदर से खेलते थे, इस मरतबा ताहिर जो है इलेक्ट्रॉनिक की जानिब से बॉलिंग कर रहे हैं। और अभी तक बेहतरीन बॉलिंग कह सकते हैं, जिस तरह का स्टार्ट था बैटिंग साइड का, उसके बाद अच्छी वापसी, विकेट भी मिला इस ओवर में। तैमूर न्याजी के कीमती विकेट था, जो बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, काफ़ी हद तक शानदार परफॉर्म कर रखा था तैमूर न्याजी ने। पांच गेंदों पर 12 रन बना रखे हैं, दे दिए यहां पर जमान ने। और छठा और आखिरी गेंद करवाने के लिए आएंगे, सगीर पठान सामना करेंगे, इस मरतबा ग्राउंड शॉट है और दो रन का इजाफा होगा। बेहतरीन ओवर, विकेट भी लिया, साथ में सिर्फ 14 रन। और आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है, लाइक करना है वीडियो को। अगर आप लोगों को इस लड़के की बॉलिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, जमान के चाहने वाले वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये देखें, फहद मियां चन्नू दाद देने पर मजबूर हो गए हैं, नुमान कोबरा दाद दे रहे हैं और जलाद खान दाद दे रहे हैं। ये देखें जी, फाउंडर ऑफ DPL सीजन 6 मियाँ बिलाल उमर बोतला बिल्कुल वहाँ पर हौसला अफजाई कर रहे हैं, तमाम टीमों को इक्वल नज़र से देखते हैं मियां बिलाल उमर बोतला साहब, और तमाम टीमों के डगआउट में जाते हैं, उनके साथ खुशी से मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं और बिल्कुल बड़े बेहतरीन माहौल में गपशप करते हैं तमाम शायकीन क्रिकेट से। और मीटिंग बिल्कुल जारी है, गुड ओवर बाय जमान। बिल्कुल एक बेहतरीन ओवर की अगर बात की जाए, पहले तीन ओवर यानी पहले तीन ओवर इन्हें 18 गेंदों पे 81 रन आए, अगले दो ओवर इन्हें अगले 24 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 24 रन आए। यार वेरी वेल डन जमान एंड जैनी लेफ्टी। तो मेरे ख्याल से जो आखिरी ओवर है जैनी लेफ्टी को दिया जाएगा। बिल्कुल जनाब, तो आप तमाम दोस्तों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि अब आखिरी ओवर में कितने रन बनाने में कामयाब होगी बैटिंग साइड ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जमान और जैनी लेफ्टी ने, बड़ी शानदार वापसी। ये है क्रिकेट जनाब, अब कुछ हद तक वापसी हो चुकी है, अब जो है वो वापसी की है और फाइटिंग जो है वो मैच ज़रूर होगा। जिस तरह बल्लेबाजी कर रही थी बैटिंग साइड, तो ऐसे लग रहा था जैसे 150 प्लस रन आएंगे, अब जो रन रेट है वो 21 पे आ चुका है। तो तमाम दोस्तों ने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, पेज को लाइक करना है, आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जैनी लेफ्टी इस मरतबा पॉइंट पे खेला फील्डर, और बिल्कुल जनाब कोई मौका नहीं, वन बाउंस रन मिलेंगे चार। सदी राजपूत यहाँ पे चार रन का सिग्नल देते हुए चौके से आगाज किया इस ओवर का। नासर पठान 40 पे 12 गेंदे खेल के 40 रन बना रखे हैं, 109 टोटल स्कोर बोर्ड मुगल स्टार का। जैनी लेफ्टी चौके से आगाज़ ज़रूर किया है नासर पठान ने, तो जैनी लेफ्टी ने पिछला ओवर बड़ा बेहतरीन करवाया था और टीम को कम बैक करवाया, इसीलिए टीम कैप्टन ने अतमाद किया एक मरतबा फिर जैनी लेफ्टी पर। और दूसरा गेंद करवाने के लिए दौड़े, शॉट खेला है, बॉल हवा में, कैच आउट होने का खतरा, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे, उसामा अली सियालकोट के बेटे, एक बड़ा विकेट यहाँ पर नासर पठान की सूरत में मिला है और बेहतरीन बैक थ्रो किया है, यहाँ पर बैकअप किया है और मैच में बिल्कुल वापस आई है ताहिर यूनाइटेड की टीम। और एक बड़ा विकेट नासर पठान की सूरत में, ये देखें क्या छाप, और बिल्कुल नाखुश ज़रूर है वहाँ पर उसामा अली सियालकोट। और जैनी लेफ्टी ने वहाँ पर अपनी गलती तस्लीम की है कि मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऐसे
बाजुकत कैच भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो सलमान मिर्जा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जैन लेफ्टी को समझा रहे हैं सब दोस्त, क्योंकि एक एक रन बचाना उनके लिए बड़ा कीमती है। अब सगीर पठान मेरे ख्याल में स्ट्राइक पर आएंगे, चेक करते हैं कि क्रॉस हुआ है या नहीं। नहीं क्रॉस हुआ जी। नए आने वाले बैट्समैन सामना करेंगे। देखते हैं जी नए आने वाले बल्लेबाज कौन है। जैनी लेफ्टी बॉलर हैं, खुरम चकवाल बिल्कुल समझा रहे हैं। असगर डोगर तपालपुर से, इनका ताल्लुक है तहसील तपालपुर से, तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। आज देखना पड़ेगा असगर डोगर को कि आज कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे जैमी लेफ्टी पहली बॉल चौका, उसके बाद रिमूव किया नासर पठान को जो बड़ा डेंजरस साबित हो रहे थे। असगर डोगर इस मरतबा दो रन आएंगे जो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे बॉलिंग साइड का, क्योंकि जिस तरह रन की रफ्तार थी, जिस तरह रन बन रहे थे, उस लिहाज से ये रन कुछ भी नहीं है बॉलिंग साइड के लिए। मुंह पे जो है वो बॉल आया जिसको फाइन लैग पे खेला। फाइन लैग की ये दो रन का जो क्या सिलसिला है, दो सोच रहे होंगे जनाब, ये शॉर्ट बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री नहीं है इस ग्राउंड में, तो इसलिए दो रन काउंट होंगे। काफ़ी हद तक जो है वो वापसी कर ली है खुरम चकवाल, किंग ऑफ एशिया, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। मीटिंग की जैनी लेफ्टी ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, जिम्मेदारी है उसको बाखूबी निभाते हुए। तीन गेंदों पर सिर्फ 6 रन आए इस ओवर में, 3 गेंदों का खेल बाकी है। चौथा गेंद करवाने के लिए जैनी लेफ्टी, असगर डोगर सामना करें, एक बॉल पर 2 रन बना रखे। जैनी लेफ्टी काफ़ी वेट करवाने के बाद दौड़े बॉलिंग एड से, इस मरतबा बड़ा बेहतरीन गेंद किया जैनी लेफ्टी ने। फील्डर वहां पर मौजूद जलाद खान, फंबल जरूर हुए हैं लेकिन रन एक ही मिलेगा। स्ट्राइक संभाली है यहां पर सगीर पठान ने और 112 रन हो गए दोस्तों। 2 गेंदों का खेल अभी बाकी है, आखिरी 2 गेंदों पर कितने रन आएंगे, कितने रन का टारगेट होगा, ये 2 गेंदें फैसला करेंगी। एक एक बॉल की अहमियत जानते हैं खुरम चकवाल, हर बॉल के बाद जैनी लेफ्टी के पास आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान मार आरफ सियाल ग्राउंड कमेंटेटर और बड़ा बेहतरीन लोगों को माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने 11 गेंदों पर दोस्तों सिर्फ 17 रन दे रखे हैं जैनी लेफ्टी ने और मैच का पांसा पलटने में बिल्कुल अहम किरदार अदा किया है जैनी लेफ्टी। और अगर यहां पर ताहिर यूनाइटेड मैच जीती है तो यकीनी तौर पे मैन ऑफ द मैच जैनी लेफ्टी ही होंगे, क्योंकि 17 रन दे रखे हैं सिर्फ 11 गेंदों पर। आखिरी गेंद करवाएंगे अपने दूसरे ओवर का, तो लास्ट बॉल पर देखना पड़ेगा। 7 रन आए 5 गेंदों पर इस ओवर में, बेहतरीन बॉलिंग ऑल पाकिस्तान में 2022 में अपना लोहा मनवाया और DPL सीजन 6 में एक बड़े मैच में परफॉर्म करने में कामयाब हुए जैनी लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट। छठा और आखिरी गेंद करवाने के लिए बॉलिंग एड से दौड़ेंगे, इस बार तो बेहतरीन बॉल जैनी लेफ्टी, यो ब्यूटी जैनी लेफ्टी, तेरी क्या बात है, क्या कमाल परफॉर्मेंस यार जैनी लेफ्टी के लिए। एक एक लाइक बनता है दोस्तों, एक एक बार वीडियो शेयर करनी है आप लोगों ने। जैनी लेफ्टी ने वन मैन शो कर दिया, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर होने का सबूत दे दिया यहाँ पर जी। जुबैर भाई क्या कहेंगे आप जैनी लेफ्टी की कमाल परफॉर्मेंस पर? बिल्कुल जनाब, यहाँ पे मेरा दिल कर रहा है कहने को कि चट्टानों से टकराना काम है मेरा, जैनी लेफ्टी नाम है मेरा, चट्टान बन गया। 2 पे 17 रन दिए हैं, क्या खूबसूरत स्पेल किया है जैनी लेफ्टी ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यार, अच्छी वापसी करवाई ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स को, बड़ा शानदार यहाँ पे स्पेल देखने को मिला।
जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मान नजफ अली सियाल महाराष्ट्र पेश से। और आपने देखा है जिस तरह की शुरुआत की है नासिर पठान ने, और एकदम तो लग रहा था कि 130 140 150 रन होंगे नासिर पठान उमेर भट्ट तमोन न्याजी नासिर पठान पार्टनरशिप देखें जी। ये पहले ओवर में 18 से 19 रन, दूसरे ओवर में 35 रन, फिर 26 रन, और जैनी लेफ्ट फ्रॉम सियालकोट मुंडा वेरी वेल डन, कमाल दो ओवर किए हैं और शानदार कम बैक करवाया अपनी टीम के लिए। जियो सियालकोट मुंडा जैनी लेफ्ट। अब आएंगे बैटिंग पर किंग ऑफ एशिया फखरे जगवाल, फखरे पाकिस्तान खुरम जगवाल, साथ देंगे फ्लेक मास्टर टेप वाला पाकिस्तान फहद मियां चनो सियालकोट मुंडा उस्ताद माली सियालकोट एंड जैनी लेफ्टी, जिन्होंने कमाल की वापसी करवाई अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करके। बाबर शहजाद भाई आप मैच को एंजॉय करें, मैंने क्या कहना है वो मेरे ख्याल में मैं बेहतर जानता हूँ, बाकी आप मैच को एंजॉय करें, जिसको सपोर्ट करें उसको सपोर्ट करें। शुक्रिया तमाम दो जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर इसाक हैं, इमरान फयाज भाई हैं, बाबर शहजाद साहब हैं, जनाब अब्दुल्ला सलीम अब्बास भाई हमारे साथ, एहसान खान खोखर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद दिलशाद भाई हैं, लुकमान हसन भाई जान, तमोर हुसैन, खुरम शहजाद, शकील गौरसी एंड ऑल फ्रेंड्स जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम दोस्तों को वेलकम बैक। लो जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, और आई थिंक बुम बुम टेप वाला पाकिस्तान जिन्होंने पहले मैच में कमाल की बैटिंग की थी अपनी टीम के लिए और मैच विन करवाया, साथ दिया छोटा विकी ने। और अब रेहान मेरे साथ मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में, तो रेहान खुरम भाई जो हैं वो अब ओपनर नहीं आए, मेरे ख्याल में वन डाउन पोजीशन पर आएंगे, क्योंकि उस्ताद माली सियालकोट एंड फहद मियां चनो इस वक्त बैटिंग पर आ चुके हैं, दोनों ब्रांड ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल उस्ताद माली एंड फहद मियां चना। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्त कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। और बिल्कुल उस्ताद माली को जो थी बारी नहीं थी मिल रही है, इसलिए आज उस्ताद माली को जो इस बार आजमाया गया है, ओपनिंग पेयर चेंज किया गया है, खुरम चकवाल पीछे रहे हैं, पिछले मैच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो था वो लूज़ हुआ था, और इस बार आजमाया है उस्ताद माली सियालकोट को उनके साथ ब्रांड ऑफ मियां चन्नू फहद मियां चन्नू। और इस टूर्नामेंट में इस साल जो बल्ला जो है और काफ़ी रन बना रहा है फहद मियां चन्नू, और बड़ी शानदार बैटिंग रही है पिछले चार से पाँच से छः मैचों में, और आज ये सेमीफाइनल मैच है,
डू एंड डाई मैच है, जो हारेगा इवेंट से बाहर, जो जीतेगा वो तैमूर मिर्जा, छोटा विकी, सरमल जेलम, उनके साथ सरदार हसनैन, तैरी पिंडी, इनके साथ फाइनल मैच खेलेगा कल 8 बजे। जी तो नासर पठान आई थिंक रियान सबसे ज़्यादा छक्की लगा चुके हैं अब तक, नासर पठान बिल्कुल इस साल भी बड़ी अमूदा परफॉर्मेंस रही है, और एक बार पिछली दफ़ा भी आई थिंक 2019 में जो DPL हुआ था उसके बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और टॉप सिक्सर भी रहे थे, आई थिंक 45 सिक्स लगाए थे तब इन्होंने। जी तो चौधरी जयफुल्ला बावेक्सा फ्राम हासलपुरा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद नुमान आबेद फ्राम सऊदी अरब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एंड ऑल फ्रेंड वेलकम बैक। एक बड़ा मुकाबला है, इस मैच की विनर टकराएगी कल, फाइनल मैच देपाल पर कलंदर के साथ, और वेरी वेल डन, शानदार इंतजाम, लाखों के इनाम दिए गए हैं इस लीग में DPL सीजन 6 में। जिंदाबाद प्राउड ऑफ देपाल पर जनाब मियां बिलाल उमर बोदरा साहब एंड ऑल टीम, वेरी वेल डन एंड वेरी वेल डन स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान, शानदार वर्क। जी तो आप तमाम दोस्त जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम पेजों पर, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया है DPL सीजन 6 में। और क्या लगता है आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, 112 रन्स टू विन, कौन जीतेगा ये मुकाबला और खेलेगा आने वाली नाइट फाइनल नाइट DPL सीजन 6। फहद मियां चनो ऑन स्ट्राइक हैं, उनके साथ सियालकोट मुंडा सामाली सियालकोट, रमीज वंस अगेन करेंगे बॉल, और स्लो वन बॉल चेंज अप पेस, और यहां पर मिलेंगे 2 रन्स, और बिल्कुल यहाँ पे 2 रन आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मखसूस बाउंड्री है, इनसाइड एज हुआ था, गेंद फाइनल की जानब गई, 2 रन ही आए हैं, और हनीफिया कक्कड़ भाई क्वार्टर से आपको वेलकम हो गया है, तैमूर शाह फैन ऑफ तैमूर मिर्जा पेज के एडमन हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत आपका प्यार, और सब दोस्त काइंडली एक एक बार जो वीडियो है वो लाजमी शेयर करें। और फहद मियां चनो यहाँ पे एक बॉल पे 3 रन आ चुके हैं, सो 110 रन बाकी हैं अगली 35 बॉल पे, देखना होगा फहद मियां चनो और उसामा अली कैसी यहाँ पे पार्टनरशिप कैम्प करते हैं, और बिल्कुल एक बड़ी पार्टनरशिप कैम्प करना होगी, और अपनी टीम को अगर लेके जाना है फाइनल अगेंस्ट तैमूर मिर्जा के साथ। रबाडा नेक्स्ट बॉल अगेन सामने फहद मियां चनो, और इस बार अंपायर कॉल आई थिंक नो बॉल की कॉल आई है, और देखना होगा कि नो बॉल है या वाइट बॉल दिया गया है, राव इमरान है अंपायरिंग के सर अंजाम दे रहे हैं, नो बॉल दर्शक लिए, नो बॉल फ्रंट फुट क्रॉस करके हैं लाइन को, और बिल्कुल नो बॉल होगा, और नजर भाई देखें ये पहला नो बॉल किया है रमीज रबाडा ने इस टूर्नामेंट में, और फ्रंट फुट इनका क्रॉस नहीं करता लेकिन आज क्रॉस कर गए हैं, और क्या फ्री हिट का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं फाज में चनो। जी प्रिंस मानी भाई ने सवाल किया कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए तमाम टीमें तमाम प्लेयर पाकिस्तान टेप बॉल के काबिल एहतराम हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, और एक बड़ा मुकाबला है इस वक्त, राव इमरान स्टेडियम अंपायर ऑफिशियल अंपायर है DPL सीजन 6, एंड सदी अहमद राजपूत लैग अंपायर, एक बड़ा मुकाबला है, छक्के लगाने होंगे चौके लगाने होंगे, कुछ करना होगा यहाँ पर फहद मियां चनो को। जी हैवी गो रबाडा फुल टॉस उठा दिया है बॉल को, लेकिन इससे पहले फ्री हिट था। अहमद वली गुजर है हमें सऊदी अरब से ज्वाइन कर चुके हैं, वाले सलाम जनाब गुलफाम खालिक, वन डाउन पोजीशन पर आएंगे किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल, और कोई हिकमत अमली होगी इसमें जो कि वो नहीं आए, रिव्यू लिया गया एक बार फिर से, वीडियो को एक एक बार तमाम भाई वीडियो को शेयर कर दें यार, एक एक बार तमाम भाई वीडियो शेयर, रिव्यू चेक करें, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है बॉल, और
ये लीगल बॉल आई थिंक तस्वर किया गया है अंपायर की तरफ से। दोबारा से फिर रिप्ले चेक करेंगे आप और आई थिंक क्लोज है कॉल, अरे आन काफ़ी क्लोज है। बाकी अंपायर सिग्नल जो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बॉल नीचे है और अंपायर कॉल, बाकी देखना होगा। और काफ़ी लंबी हाइट है फहद मियां चन्नू की और दराज गत के मालिक है कि नो बॉल होगा या नहीं देखना बाकी है। यहाँ पे दोबारा से दिखाया जाएगा, यहाँ पे देखना होगा, क्लोज करके लाइव दिखा यहाँ पे स्लोमो में दिखाएंगे आपको। ये देखें जैसे बॉल आया और देखना होगा क्लियर क्या है। हैंडल के पास लगा है बॉल, ये लीगल बॉल करार दे दिया गया है, बिल्कुल लीगल बॉल है क्योंकि फहद मियां चन्नू का लंबा कद है और दो रन आएंगे यहाँ पे, आई थिंक दो रन ही आएंगे क्योंकि दो रन बनाए हैं जी। नो बॉल क्लियर, लीगल बॉल है जनाब, लीगल बॉल है। और रबाडा फ्रॉम फैसलाबाद बॉलिंग पर मौजूद हैं, अब तक तकड़ी गेंदबाजी कर रखी है इस पूरे एडिशन में। एक बड़ी शख्सियत खादिम हवेली लखा, वेलकम टू DPL सीजन 6 में दीवान शाहजेब अहमद साहब अभी ज्वाइन कर चुके हैं। खादिम हवेली लखा, प्राउड ऑफ हवेली लखा, एक बड़ी शख्सियत दीवान शाहजेब अहमद साहब, मोस्ट वेलकम बाबर अली कादरी जी। रमीज रबाडा बिल्कुल यहाँ पे दो गेंदों पे 6 रन दे चुके हैं, कम बैक करेंगे या नहीं देखना होगा। रबाडा सामने फहद मियां चन्नू, दो बॉल 6 रन और इस बार दो रन के लिए खेला है, फाइनल है कि जाना प्रोपेज लगा था, दो रन आएंगे। रॉय इमरान अंपायरिंग के सर जहाँ बिल्कुल जबरदस्त अंपायरिंग और देखें यहाँ पे काफ़ी तेज बॉल था, बल्ला जो है लेट पहुँचा है, हाइट पे बॉल किया था, दो रन बने हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग फ्रॉम रमीज रबाडा, अभी तक शानदार ओवर जारी है, 8 रन बन चुके हैं, 3 बॉले हो चुके हैं, 33 बॉल्स रन टू विन 105, क्या 105 रन ये अब चेस कर पाएंगे या नहीं। 33 बॉल पे 105 रन चाहिए, सो देखना होगा। विकेट इन हैंड 10 विकेटें जो हैं इनके पास अभी पड़ी हैं और देखना होगा फहद मियां चन्नू इस बार क्या करने जा रहे हैं। 3 बॉले बाकी हैं, 3 पे 8 आ चुके हैं, 3 गेंदें बाकी हैं। सो सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक एक बार आप वीडियो को भी शेयर करें ताकि व्यूवर्स की तादाद जो है वो हमारे साथ मजीद बढ़ सके। नेक्स्ट बॉल अगेन रबाडा ऑन द वे और इस बार नीचे रहा हुआ बॉल, डॉट बॉल हुए हैं फहद मियां चन्नू, क्लेवर बॉलिंग बाय रमीज रबाडा। ये देखें बाहर को भी निकला है, आउट स्विंग भी हुआ है अगेंस्ट फहद मियां चन्नू के और दो गेंदें बाकी हैं यहाँ पे देखना होगा। रेहान बड़ी शानदार गेंदबाजी जारी है इस वक्त रबाडा फ्रॉम फैसलाबाद की तरफ से और फहद का बल्ला अभी तक खामोश है। यहाँ पर खामोशी तोड़नी होगी, छक्के लगाने होंगे, चौके लगाने होंगे, एक अच्छा टोटल सेट किया है फास्ट बैटिंग में तो यहाँ पर रन बनाने होंगे तभी आप 110 प्लस जो है वो टारगेट चेस कर सकते हैं। अजय भाई आप देखें ना, रमीज रबाडा जो हैं अभी तक यहाँ पे बॉलिंग बड़ी कमाल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के, नो डाउट अभी तक बेस्ट बॉलर जा रहे हैं और इनका कंपटीशन बड़ा अच्छा बना है। 4 लोग ये फैसलाबाद से हैं और एक इनके पास सगीर पठान है और उसके बाद एक सगीर सहराम काका है और ये देखें इनका कॉम्पिटिशन बड़ा अच्छा बना हुआ है और ऊपर से चारों बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नीचे से दोनों बॉलर जो हैं बिल्कुल बॉलिंग दे रहे हैं। सगीर खान एज अ ऑलराउंडर बिल्कुल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रबाडा देखेंगे यहाँ पे दो गेंदें बाकी हैं, अभी तक सिर्फ 8 रन दिए हैं और पिछले मैचों की मैं बात करूँ तो कमाल बॉलिंग की है, अनबिलीवेबल बॉलिंग फ्राम रमीज रबाडा फैसलाबाद। नेक्स्ट बॉल रबाडा एक्सप्रेस फुल टॉस बॉल, लेकिन इस बार गलती कर गए हैं, फुल टॉस बॉल दिया था और 6 रन मिलेंगे फहद मियां चन्नू, पहला छक्का आ चुका है मिड ऑन एंड लॉन्ग ऑन के सेंटर के ऊपर से, ये देखें अंपायर के सर के ऊपर से बॉल गुजरा है, बिल्कुल 6 रन मिलेंगे पहला छक्का जी। लो फॉल टॉस आई थिंक यार्कर करने गए हैं और लो फॉल टॉस था, बड़े शानदार कनेक्शन किया है फलेक मास्टर टेप वाला पाकिस्तान फहद मियां चन्नू के बल्ला से। बाबर अली कादरी एंड ऑल फ्रेंड मोस्ट वेलकम, जितने भी हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं तमाम पेजों पर आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक हमेशा आप सब भाई को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अभी रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, किंग ऑफ एशिया भी बैटिंग पर आएंगे। 31 बॉलें हैं, 99 रन हैं, फहद मियां चन्नू 6 बॉल खेलकर 12 रन, उसामा अली ने अभी किसी भी बॉल का सामना नहीं किया और उसामा अली क्लास ऑफ पाकिस्तान
जो कि ओपनर बैट्समैन आए हैं फहद के साथ। पहले ओवर का लास्ट बॉल करेंगे, यहां पर 14 रन हो चुके हैं अब तक, बेहतरीन गेंदबाजी। रबाडा फ्रॉम फर्स्ट बॉल, लास्ट बॉल, पहला ओवर। इस बार तगड़ा बॉल किया है और बॉल डॉट करने में कामयाब, वेरी वेल डन रबाडा फ्रॉम फैसलाबाद, एक्सीलेंट ओवर। और हमारे साथ यहाँ पे वाचिंग में मौजूद हैं आमिर सुहेल और उनके साथ नौमी खोखर फ्रॉम सियालकोट। बिल्कुल यहाँ पे उसामा अली का मैच जो है इंजॉय कर रहे हैं, इनके इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हो जाती है गलती कभी कभार आमिर भाई, सो माजरा चाहते हैं। सब दोस्त काइंडली वीडियो को शेयर कर दें और सब दोस्त साथ दें। ले जनाब सर राम काका आ चुके हैं, दूसरे ओवर का पहला बॉल करेंगे। 14 रन दिए हैं सिर्फ पहले ओवर में रवींद्र रबाड़ा ने, एक छक्का लगा है। उसामा अली अपनी इनिंग का पहला बॉल स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान ऑन स्ट्राइक है। शराम काका लई एक्सप्रेस दूसरे ओवर का पहला बॉल करेंगे। नेक्स्ट बॉल, दूसरे ओवर का पहला बॉल, शराम काका सामना करेंगे उसामा अली सियालकोट। हैवी गो, पहला बॉल शराम, ओ बड़ा अच्छा बॉल, जबरदस्त बॉल। यहाँ पे दो रन जरूर आएंगे यहाँ पे उसामा अली, पहली बॉल पे यहाँ पे दो रन आ चुके हैं इनके बल्ले से, 16 रन हो चुके हैं स्कोर की बढ़ती हुई तादाद। और देखना होगा यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं सर राम काका और उसामा अली। 97 रन बाकी हैं, बॉल्स रिमाइनिंग है 29, 29 बॉल पे 97 रन बनाने हैं। नेक्स्ट बॉल सर राम सामने उसामा अली, इस बार देखना होगा, इस बार देखना होगा किस एंगल से बॉल करेंगे। सामने उसामा अली हैं, उसामा अली पहला छक्का यहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर से, जबरदस्त शॉट उसामा अली के बल्ले से, पहला छक्का दोस्तों आ गया है। और देखना होगा अब उसामा अली जो है विकेट पे रहते हैं या नहीं, और पहला छक्का यहाँ पे लगा दिया है, खतरे की घंटी बजा दी है उसामा अली सियालकोट ने और बता दिया है कि मैं भी अभी मौजूद हूं। आमिर सुहेल भाई आ जाएंगे वो बाज, टेंशन ना लें आप, वो मेरे पता नहीं लगे। नेक्स्ट बॉल उसामा अली, उसामा अली अगेन सामना करेंगे। नेक्स्ट बॉल सर राम, बॉल नंबर 3, ओवर नंबर 2, फुल टॉस बॉल, गलती कर गए हैं इस बार और भरपूर फायदा उठाया है उसामा अली सियालकोट ने डीप स्क्वायर लेग साइड के ऊपर से, 6 नंबर 2, 2 × 2 उसामा अली, ब्रिलियंट, ये देखें कमाल शॉट था उसामा अली के बल्ले से, यहां पे दूसरा छक्का, शानदार शॉट और गेंद जो है काफी दूर जाकर गिरी है, आउट ऑफ द पार्क उसामा अली। और आज बिल्कुल मूड में नजर आ रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगी अगर जाना है फाइनल में। 85 रन बाकी हैं, 27 बॉल्स रिमाइनिंग, यहां पे फाद मेचन समझा रहे हैं और उसामा अली बिल्कुल उम्मीदों पे उतर रहे हैं और जिस काम के लिए उनको ओपनिंग पे भेजा गया था और पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मेला लगा लिया गया है यहाँ पे सर राम काका पे, रबाडा नियाजी बट एंड नासिर पठान सगीर पठान जो बिल्कुल समझाने के लिए आ चुके हैं सर राम काका को।
तीन बॉल 16 रन दे चुके हैं सगी यहाँ पे सर राम काका। नेक्स्ट बॉल अगेन सामने उसामा अली, तीन बॉलें फेस की हैं, पहली पे डबल आई है, दूसरी पे छक्का आया है, तीसरी पे छक्का आया है, चौथा बॉल सरराम और इस बार सीधे बल्ले के साथ खेले हैं सामने बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से 6 नंबर 3 उसामा अली। और ये देखें शॉट ऑफ लेंथ किया था उसामा अली का बेहतरीन शॉट, बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से गुजरी है बॉल और फील्डर यहां पे सगीर पठान थे, सिर्फ बॉल को देख सकते थे। उसामा अली का बल्ला यहां पे बिगड़ चुका है, रन बिल्कुल बना रहे हैं उसामा अली, 20 रन आ चुके हैं 4 बॉल पे, एक्सीलेंट बैटिंग। मियां सनी भाई मैंने आपके कॉमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखे हैं और तमाम वीडियो पर जितने भी दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप तमाम दोस्त काबिल एहतराम हैं, लेकिन कोई भी दोस्त अगर ज़्यादा ओवर मैसेज करेगा, किसी को भी टारगेट करेगा नाम लेकर, तो मेरे ख्याल में वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम तमाम पेजों पर उसको हमारे एडमिन मौजूद हैं जो आपके साथ मैच देख रहे हैं तो उनको बैन किया जाएगा, तो मेहरबानी करें मैच को इंजॉय करें। नेक्स्ट बॉल सर राम काका, सामा अली अगेन सामना करेंगे और डाउन द लेग साइड है, वाइट बॉल आएगा, लेग स्टंप से बाहर है तो वाइट बॉल यहां पे जरूर मिलेगा, एक्स्ट्रा का एक रन जोर आएगा, सरराम काका महंगे साबित हो रहे हैं, ये देखें लेग स्टंप से बाहर है और उसामा अली आज कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं, कुछ करना पड़ेगा भी, बड़ी इनिंग की आपसे उम्मीद करेंगे टीम ताहिर यूनाइटेड और देखना होगा ये आखिरी दो गेंदों पे क्या करने जा रहे हैं उसामा अली। और इन दो गेंदों पे अगर एक भी बाउंड्री आ गई तो बिल्कुल एवरेज जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। नेक्स्ट बॉल उसामा सामने और बॉलिंग पे मौजूद है सरराम, सेकंड लास्ट बॉल ओवर नंबर 2, सरराम एक बार फिर से और इस बार क्लेवर बॉल, जबरदस्त बॉल, फंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम उसामा सरराम काका और ये लाइन बिल्कुल अच्छी है, यहाँ पे आपको बॉलबाजी करना पड़ेगी और इस बार बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बीट हुए थे उसामा अली, पहली 4 गेंदों पे 21 और लास्ट बॉल डॉट और एक बॉल यहाँ पे बाकी है, उसामा अली अगेन सामने हैं और सरराम काका इस बॉल पे क्या करने जा रहे हैं, 3 छक्के 1 डबल 1 वाइड 1 डॉट इस ओवर में अभी तक आई है और लास्ट बॉल है, ये देखना होगा सरराम काका अगर छक्का आ गया तो 27 रन्स बनेंगे इस ओवर में, रन्स हो जाएंगे 41, अगर ये बॉल डॉट आता है तो बिल्कुल आखिरी 24 गेंदों में 78 रन्स मुश्किल हो सकता है चेस करना। हैवी गो क्या होने जा रहा है, सरराम काका सामने उसामा अली और बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर है और बाहर को भी बॉल आउट स्विंग हुआ है और सदी अहमद यहां पे बिल्कुल इशारा करेंगे ये वाइट बॉल है और ये देखें क्रॉस एंगल से बॉल करना चाहते थे, काफ़ी लंबा वाइट बॉल देखने को मिला है सर राम काका की जानब से। लास्ट बॉल ओवर नंबर 2 सामने उसामा अली जो हैं बिल्कुल चुपचाप से रहते हैं लेकिन बैटिंग बढ़िया करते हैं और देखना होगा सरराम इस बॉल को बचा पाएंगे या नहीं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2 वाइड कर चुके हैं अभी तक एक्स्ट्रा की यहां पे और अगेन करेंगे बॉल सरराम, वंस अगेन लेफ्ट द स्टेशन और स्लो वन किया है, शॉर्ट पिच बॉल था, बिल्कुल डॉट हुए हैं उसामा अली, पहली 4 गेंदों में 22 रन, अगली 2 गेंदें डॉट और गुड ओवर बाय और गुड कम बैक सरराम काका, 36 आफ्टर 2 ओवर, 2 ओवर में 36 रन आ चुके हैं, 77 रन बाकी हैं, 24 बॉल्स सामने चले गए हैं फाद मियां चन्नो, थैंक यू नजर भाई जी। तो हसनैन लियाकत हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर टेबल ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ लाइव मैच एंजॉय करते हुए, वेलकम टू DPL सीजन 6 में और जितने भी दोस्त भाई हैं हमारे सीनियर एडमन टेबल ऑफ पाकिस्तान उस्ताद अली असगर फ्राम सऊदी अरब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद रफाकत हुसैन शाह साहब सीनियर एडमन टेबल पाकिस्तान वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जितने भी एडमन हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, क्रिकेट लवर हैं, स्पॉन्सर हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। DPL सीज़न 6 कौन बनेगा चैम्पियन है? क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं क्योंकि हम रिप्लाई नहीं कर सकते, ये जो आप कवरेज देख रहे हैं इस हिसाब से हम एक मोबाइल एक पेज से
आपको थोड़ा बहुत रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि कौन सी टीम जो है वो कल खेलेगी दीपाल पटकलंदर के साथ फाइनल मैच में। क्या एक बार फिर से किंग ऑफ एशिया बा मुकाबला बम बम टेबल पाकिस्तान फाइनल मैच में इन एक्शन होंगे, या फिर नासिर भटान बा मुकाबला ब्रांड पाकिस्तान तमोर मिर्जा इन एक्शन होंगे। जी जी मोहम्मद मान आबिद भाईजान सऊदी अरब से सैयद मुजम्मिल शाह कह रहे हैं आप कैसी मैच विन करेंगे। लो जी 24 बॉलें 77 रन, हर ओवर में 3 छक्के लगाने होंगे। क्लास ऑफ पाकिस्तान कोटी मुंडा उसामाली एंड फ्लेग मास्टर फहद मियां चनू इस वक्त बैटिंग पर मौजूद। अभी तो आएंगे किंग ऑफ एशिया वन डाउन पोजीशन पर। जी रबाडा हैवी गो तीसरा ओवर पहला बॉल फ्लेग मास्टर शॉट के लिए हैं। मदरसे हुसैन कहते हैं नासिर भटान जीतेगा। प्रिंस मानी भाई कहते हैं आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो जीतेगा। जनाब मैं तो दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं भाई जान। अजय भाई क्या लगता है ये रन चेस कर सकते हैं? जोड़ी जो है बिल्कुल अभी ख़तरनाक साबित हो चुकी है। उसामा अली ने जो है ख़तरनाक घंटी बचा दी है 3 छक्के लगाकर। और ये रमीज रबाडा जो है पहला ओवर बड़ा शानदार करके गए हैं, कैसा ओवर करने जा रहे हैं ये देखना होगा। अभी पहली बॉल पर सिंगल आ चुका है उसामा के साथ, अब टाकरा है। जी वंस अगेन रबाडा, ओ बड़ा पेस बड़ा बॉल, बड़ा तेज बॉल कर रहे हैं, क्रॉस बॉल कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे रबाडा। क्या जबरदस्त एक्सीलेंट शानदार बॉलिंग फ्रॉम फैसलाबाद रबाडा, क्रॉस बॉलिंग कर रहे हैं। यहां पर अगर बैट्समैन शॉट भी खेलता है तो मेरे ख्याल में आपको सिर्फ 2 ही रन आएंगे। सैयद इंतज़ार हैदर नकवी शाहजी अनस चौरी जैफुल्ला बॉबिक फखरे हासिल पर आल पाकिस्तान स्पॉन्सर एक बड़ी शख्सियत करें अब बम बम टेबल पाकिस्तान तैमूर मिर्जा इंशाल्लाह चैंपियन होंगे डीपीएल सीजन 6 के। चौधरी 11 हासिल पर चौरी जैफुल्ला बॉबिक मलक महमूद नूर खान छक्के लगाने होंगे। यहाँ पर 2 बड़े तकड़े बॉल किए हैं यहाँ पर रबाडा फ्रॉम फैसलाबाद ने। उसामा अली सालकोट ऑन स्ट्राइक हैं, 2 बॉलें 1 रन आया है, मजीद 4 बॉल बाकी हैं। रबाडा नेक्स्ट बॉल शॉर्ट पे चेंज ऑफ पेस डेड बॉल। राव इमरान द लेजेंड टेबल ऑफ पाकिस्तान डीपीएल ऑफिशियल अंपायर एंड सदी अहमद राजपूत एंड शहबाज कालिया फ्रॉम लाहौर। आज की रात का लास्ट बड़ा मुकाबला जी रबाडा वंस अगेन करेंगे बॉल उसामा अली सालकोट 7 बॉलें 20 रन ऑन स्ट्राइक है। रबाडा नेक्स्ट बॉल, ओ माय गॉड क्लास ऑफ पाकिस्तान सालकोटी मुंडा वंस अगेन बुलंद बाला 6 लगाने में कामयाब। लो फॉल टॉस शानदार कनेक्शन और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। सनी खान फ्रॉम हासिलपुर हमारे मोहतरम प्यारे भाई जान। वाइस ऑफ पाकिस्तान महर आरिफ शाल साहब माय प्राउड मेरे उस्ताद मोहतरम माय ब्रदर खूबसूरत आवाज के साथ डीपीएल सीजन 6 में और आपके साथ नजब अली शाल एंड रेहान। सियालकोटी मुंडा वंस अगेन करेंगे सामना 43 रन मजीद बड़े शॉट लगाने होंगे। 21 बॉलें 70 रन इस बार अच्छा बॉल पेस के साथ बॉडी में बॉल किया था इस्माइल परदेसी वाले इस्लाम
मोहतरम भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है और उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त भाई बिल्कुल खैर खरीत से होंगे। सैयद वकार हुसैन शाह साहब, सीनियर ब्रॉडकास्टर टेबल ऑफ पाकिस्तान, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, सदाकत अवान है। इस्माइल परदेसी आमीन सुमामीन, 2.4 बॉल 44 रन बगैर किसी नुकसान पर, सात बालें 27 रन, उसाम अली सलकोट, फहद मियाचनू 8 बालें 13 रन। ओह माय गॉडनेस, आई फ्लेक मास्टर फहद मियाचनू, यू 6 इसी छक्के के साथ 50 रन मुकम्मल किए हैं, 22 छक्के लगा चुके हैं अब तक, बेहतरीन बल्लेबाजी डीपीएल सीजन 6 में, वेरी वेल डन फहद मियाचनू। 19 बॉले हैं, 63 रन हैं, एक बड़ा मुकाबला है। सदाकत हुसैन, बाबर अली कादरी, मोहम्मद तला चौहान, ऑल फ्रेंड वेलकम बैक टू ऑल पिच एंड अगेन शेयर दिस बिग मैच डीपीएल सीजन 6। आज की रात का लास्ट बड़ा मुकाबला, कौन जाएगा फाइनल मैच में, कौन टकराएगा बूम बूम टेबल ऑफ पाकिस्तान तैमूर मिर्जा एंड कंपनी के साथ फाइनल मैच में। 19 बॉलें 63 रन, हैवी गो रबाडा लास्ट बॉल, फ्लेक मास्टर और यहां पर वन बॉस, ओ माय गॉड व्हाट अ फील्ड, तैमूर न्याजी ने शानदार कम बैक दिया है नासिर पठान को और यकीनन 3 रन सेव किए हैं अपनी टीम के लिए, बड़े अहम और रन हैं, एक एक रन कीमती है, एक एक बॉल कीमती है, 51 रन, अब 62 रन चाहिए, 18 बॉले हैं, 10 छक्के हैं, तो यहाँ पर जब तक आप बड़े शॉट नहीं खेलेंगे तो टारगेट जो है वो आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, तो ये चौथा ओवर जो होगा यकीनन मैच ओवर होगा। ओवर माइक रेहान जी, वेलकम बैक दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे और समझाने के लिए भी बाहर से आ चुके हैं जल्लाद खान और उनके टीम कैप्टन भी आ चुके हैं ग्राउंड में और देखना होगा अब ये मैच टर्निंग ओवर होने जा रहा है। 18 बॉल 62 रन चाहिए, 18 बॉल 62 रन, फहद मियाचनू स्ट्राइक पे मौजूद हैं, 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 3 ओवर में, पहली 18 बॉल पे 51 आ चुके हैं, अब 62 चाहिए। सर राम काका को फिर से एक बार बॉल थमा दिया गया है, 22 रन पे पहला ओवर किया था सर राम काका को, ये ओवर कम अजा कम 15 रन के अंडर ओवर करना पड़ेगा अगर कम बैक करना है मैच, अगर फाइनल में क्वालिफाई करना है आखिरी 2 ओवर में कम से कम 45 रन बचाने होंगे। दे सर राम काका को देखना होगा इस बार किस एंगल से बॉल करने जा रहे हैं अगेंस्ट फहद मियाचनू के, पहला बॉल सर राम काका, ओह माय गॉडनेस व्हाट अ ग्रेट शॉट, एब्सोल्युटली व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट फ्रॉम फहद मियाचनू, पहला बॉल पहला छक्का सर राम काका को वेलकम किया है, आया चनू वाला, ये देखें बिल्कुल आगे पड़ा हुआ बॉल था, इसको डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल शॉट किया है और फहद मियाचनू और उसामा अली का बल्ला जो है वो बिल्कुल चर पड़ा है, 57 रन ऑन द बोर्ड, 56 बाकी हैं 17 बॉल्स, 26 रन बनाए हैं 11 बॉल पे फहद मियाचनू ने, 9 बॉल पे 27 बनाए हैं उसामा अली ने और 56 रन बाकी हैं 17 बॉल पे उसामा अली,
एंड फाद मिया चनो ऑन फायर नेक्स्ट बॉल हैव वी गो अगला बॉल शॉट अगेन सिक्स अगेन फाद मिया चनो अगेन बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम फाद मिया चनो टू इन टू टू इन अ रो एक्सीलेंट शॉट ये देखें बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेले हैं लॉन्ग ऑफ के ओवर से एक्सीलेंट शॉट फ्रॉम फाद मिया चनो जबरदस्त फंटेस्टिक बैटिंग 32 रन्स की इनिंग खेल चुके हैं फाद मिया चनो नेक्स्ट बॉल अगेन फाद मिया चनो सामने हैं और बिल्कुल शानदार बैटिंग कर रहे हैं दो बॉल पे दो छक्के लगातार दे मारे हैं यार एक्सीलेंट बैटिंग देखना होगा आप कम बैक करेंगे या नहीं सर राम समझाने के लिए बिल्कुल पूरा पूरी टीम इकट्ठी हो चुकी है 16 बॉल रन्स बाकी हैं 50 रन्स टू विन बॉल्स रिमाइनिंग 16 सर राम अगेन सामने फाद मिया चनो क्या कम बैक करेंगे या नहीं या फिर फहद मिया चनो हैट्रिक करेंगे देखना बाकी है आमिर सुहेल भाई थैंक यू सो मच स्लोवर किया है फ्लिक शॉट जरूर किया है लेकिन वहां पे मखसूस पॉइंट है सिर्फ दो ही रन आएंगे यहां पे शॉट अच्छा था लेकिन सिलेक्शन एरिया गलत था दो रन बनेंगे और 48 रन्स बाकी हैं 15 बॉल कम से कम ये तीन बॉलें सर राम को अंडर 5 रन्स के करनी पड़ेंगी वरना मैच जो है बिल्कुल हाथ से फिसल सकता है और अगर सर राम अच्छी बॉलें कर गए तो बिल्कुल आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा और अगर ये फहद मियां चनो तीन बॉल पे मैक्सिमम दो शॉट बड़े लगा गए तो मैच बिल्कुल बन सकता है टीम ताहिर यूनाइटेड का नेक्स्ट बॉल सर राम अगेन बॉल नंबर 4 ओवर नंबर 4 सामने फहद मिया चनो एक तरफ चनो का टैलेंट दूसरी तरफ अलैया एक्सप्रेस हैवी गो क्या होने जा रहा है इस बॉल पे देखना होगा बॉल नंबर 4 और फ्लिक शॉट लेकिन मखसूस बाउंड्री फिर से दो रन शॉट अच्छा था लेकिन ये बॉल जो गया है उस एरिया में गया है यहाँ पे दो रन ही मिलेंगे ये लेंथ बिल्कुल अच्छी है सर राम काका की और यहाँ पे अगर आप बॉलबाजी करेंगे तो बिल्कुल आपको फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो रन बनते हैं तो अब देखना होगा कम बैक करेंगे या नहीं नौमी खोखर भाई जी बिल्कुल काफी छोटी बाउंड्री है पीछे जो फाइन लेग का एरिया है ना और थर्ड मैन का एरिया काफी छोटा एरिया है दोस्तों इसीलिए दो रन रखे गए हैं अगला बॉल और इस बार गेंद हवा में आउट होने का चांस नासिर पठान गेंद के नीचे आए हैं ओह माय गुडनेस व्हाट अ कैच नासिर पठान एग्रेशन देखें इनका आई फैसलाबादी मुंडा नासिर पठान का बेहतरीन कैच और फहद मियां चनो की इनिंग का खात्मा 36 रन बना कर गए हैं 15 बॉल पे जबरदस्त फील्डिंग जबरदस्त एफर्ट और यहां पे आप रिप्ले में भी देखें टॉप एज लगा था काफी ऊंचा बॉल गया था और नासिर पठान ने यहां पे बड़े अच्छे तरीके के साथ बॉल का वेट किया और फिर यहां पे अपने मजबूत हाथों में ये कैच पकड़ा और ये देखें मुश्किल क्या था काफ़ी ऊंचा बॉल गया था और कैच लेते यहाँ पे डाइव लगाकर गिर पड़े और उसके बाद जब उठे और एग्रेशन देखे उमर बट ने यहाँ पे सीने से लगाया तैमून नियाज़ी उनके पास पहुँचे और यहाँ पे देखे बैठकर और एक बार फिर से दुआ की जा रही है और अपने रब को याद किया जा रहा है मैच में माशाल्लाह अच्छा कमबैक किया है किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल ने ज्वाइन किया है अब उसामा अली सियालकोट को ऑल फ्रेंड्स प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो नौमी खोखर भाई वेलकम और आमिर सुहेल भाई हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और थैंक यू सो मच वीडियो को शेयर करें किंग ऑफ एशिया फखरे जगवाल फखरे पाकिस्तान वन डाउन पोजीशन पर आ चुके हैं
और इससे पहले फुलेक मासा टेबल पाकिस्तान फहद मियां जनूब आउट होकर पवेलियन ने वापस आप साथ देंगे उसाम अली साल कोड का कोलम चकवाल टीम कैप्टन द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान पीएसएल चेयरमैन वेलकम टू डीपीएल सीजन सिक्स जनाब मियासर नदीम साहब हमारे साथ इस बड़े मुकाबले को एंजॉय करते हुए दीवान शाह देव अहमद साहब वेलकम टू डीपीएल सीजन सिक्स खादिम हवेली लखा एक बड़ी शख्सियत एंड ऑल फ्रेंड्स वेलकम टू डीपीएल सीजन सिक्स किंग ऑफ एशिया 13 बॉल 46 रन्स बड़ा अहम बॉल किंग ऑफ एशिया ऑन स्ट्राइक है ओ माय गॉडनेस आई मोनियाला आई किंग ऑफ एशिया पहला सिक्स ये देखे फिर से शानदार कनेक्शन फेवरेट जोन में बॉल किया था किंग ऑफ एशिया फिर इकबाल के और शानदार कनेक्शन किया पहले ही बॉल पर बाउंड्री लाइन से बाहर अब चाहिए 12 बॉल 40 रन जुबैर मंजूर मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की सरजमीन से तलक क्रिकेट की दुनिया के एडमन एंड ब्रॉडकास्टर जी जुबैर क्या लगता है 12 बॉल 40 रन हैं और बैटिंग पर खुरम चकवाल एंड उसाम अली सरकोट हैं बिल्कुल यहां पे 20 की एवरेज से खेलना पड़ेगा खुरम चकवाल ने आते ही छक्के से आगाज़ किया है और ख़तरनाक साबित यानी हुए हैं बॉलिंग साइड टीम मुगल स्टार के लिए अगर इस विकेट पर बात की जाए तो मुश्किल भी है और नहीं भी मुश्किल ज़बरदस्त मैच जारी है शानदार क्रिकेट जारी है और बेहतरीन मैच आज की नाइट का एलिमिनेटर टू और यानी आप सेमीफाइनल मैच समझ लें और जो टीम यहां से जीतेगी वो फाइनल में क्वालिफाई करेगी और टकराएगी कलंदर से कलंदर में अगर बात की जाए तमूर मिर्ज़ा गैस प्लेयर हैं छोटा विक्की और तैयारी पिंडी सरदार हुसनैन बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही आज के दिन में और बैटिंग साइड से उनका मैच हुआ था अब देखना पड़ेगा फहद मियां चन्नू के आउट होने के बाद उसामा अली और खुरम चकवाल किंग ऑफ एशिया बिल्कुल जनाब क्या मैच विन करवाएंगे उसामा अली स्ट्राइक करेंगे 9 गेंदों पे 27 रन बना रखे हैं इस इनिंग में अब इनिंग का जो है वो 5वां ओवर किसको दिया जाएगा किसको जिम्मेदारी दी जाएगी अब बिल्कुल धरती चकवाल से ताल्लुक सगीर पठान इस टूर्नामेंट में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए और ये ओवर जो है मैच ओवर होगा इस ओवर की 6 गेंदें मैच का फैसला करेगी तमाम दोस्त जल्दी से कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे शेयर जरूर करेंगे कमेंट्स करके आपने बताना है कौन ले जाएगा बाजी कौन बनेगा जीत का सिकंदर बिल्कुल जो डट जाएगा जो गलतियां कम करेगा डॉट बॉल की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल जनाब बैटिंग साइड के पास सगीर पठान अपना पहला बॉल डिलीवर करने के लिए तैयार स्ट्राइक पे मौजूद हैं उसाम अली सगीर पठान फ्रॉम चकवाल 5वें ओवर का पहला बॉल करने के लिए बिल्कुल तैयार तो सामने सैलकोट मुंडा क्लास ऑफ पाकिस्तान उसाम अली सैलकोट 7 बॉल 27 रन बना चुके हैं उसाम अली 12 बॉल 40 रन हैवी गो सगीर पठान लेग स्टंप से काफ़ी बाहर पहला ही बॉल 39 रन हैं 12 बॉल हैं कौन सी टीम यही मुकाबला विन करेगी जुबैर भाई बिल्कुल ये बताना तो अभी मुश्किल है लेकिन मैच जिस तरह चल रहा है सनसनीखेज मराहिल में मैच दाखिल हो चुका है शाइकन क्रिकेट इस सोचो बाजार में है कि कौन बनेगा जीत का सिकंदर बिल्कुल ये 12 लीगल गेंदें 39 रन फैसला करेंगे बल्कि ये 6 गेंदें जो हैं काफ़ी हद तक जो है मैच का नक्शा सामने आ जाएगा मैच की सूरत हाल सामने आ जाएगी वंस अगेन सगीर पठान अपना पहला लीगल बॉल करने के लिए दौड़े रनअप से निकले बॉल किया अगेन अंपायर का सिग्नल देखना पड़ेगा बिल्कुल डाउन द लेग साइड वाइड बॉल ये लेग स्टंप पे बॉल क्यों कर रहे हैं आपको पता है इसका अंदाज़ा है मैं जानता हूँ ये चाहते हैं कि अगर शॉट लगे भी सही शॉट बाउंड्री की तरफ बॉल जाए और 2 रन आए छक्का ना लगा सकें उसाम अली इसीलिए उनकी कोशिश है कि बॉडी में बॉल किया जाए लेग स्टंप पे ज़्यादा बॉल रखा जाए क्योंकि अब तजर्बों की ज़रूरत नहीं है आपके पास क्योंकि अब आपने मैच को फिनिश की तरफ लेके जाना है अगर आप तजर्बे करेंगे एक्स्ट्रा रन देंगे तो आप लूजिंग की तरफ जाएंगे तो देखना पड़ेगा ये जो एक्स्ट्रा के रन आ रहे हैं इनको बचा पाएंगे सगीर पठान पहला लीगा बॉल डिलीवर करेंगे इस मरतबा बेहतरीन बॉल था पुल शॉट खेला फील्डर मौजूद हैं 1 रन का मजीद इजाफा और अंपायर सिग्नल बिल्कुल यहाँ पे किस्मत साथ है बैटिंग साइड ताहिर यूनाइटेड के बॉल अच्छा किया लेकिन अंपायर सिग्नल 9 बॉल ओवर स्टेप करके यहाँ पे क्या कहेंगे नजब
किस्मत मेहरबान है ताहिर यूनाइटेड पे। जी लगता है ऐसा ही है। और अब चकवाल आमने सामने है, सगीर बढ़ान फलाम चकवाल बा मुकाबला खुरम चकवाल आमने सामने जी। उस्ताद शगीर इस वक्त आमने सामने किंग ऑफ एशिया रेड जोन में बॉल करेंगे तो फिर माफ़ी नहीं देंगे किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल। और रिव्यू लिया गया, आई थिंक रिव्यू लिया गया है राव इमरान ऑफिशियल अंपायर फ्रॉम डीपीएल सीजन सिक्स। जी अभी आप देखेंगे रेड लाइन क्रॉस की है, क्या लगता है दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कौन सी टीम ये मुकाबला विन करेगी और खेलेगी डीपीएल सीजन सिक्स का फाइनल टकरा दीपाल पर कलंदर जिसमें बूम बूम टेबल पाकिस्तान फखरे वांडो तमोर मिर्जा दिब्रांडा पाकिस्तान छोटा विकी इन एक्शन। जी जी चेक करें क्लोज देखना पड़ेगा, जूम किया है काफ़ी हमारा कैमरामैन ने और देखना पड़ेगा जुबैर मेरे साथ। ओ नो बॉल, आई थिंक बाकी फैसला अंपायर का है आपके सामने भी मौजूद है और अब भी जूम किया जा रहा है। जी कॉर्नर पे मेरे ख्याल में है और ये फिनिश लाइन की जो कॉर्नर है वहाँ पे नो बॉल। जी बिल्कुल नो बॉल आ चुका जनाब। अभी आपने रिव्यू सिस्टम बड़ा शानदार वर्क स्पोर्ट्स इन्फो पाकिस्तान जिसके डायरेक्टर अवैस वाला भाई वेरी वेल डन एंड ऑल टीम वेरी वेल डन शानदार वर्क रिव्यू सिस्टम के मुताबिक राव इमरान साहब की तरफ से नो बॉल दिया गया है और फ्री हिट दिया गया है किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल को। सकीर पठान एक बार फिर से करेंगे बॉल, ये दोबारा आप देख सकते हैं दोबारा चेक कर सकते हैं काफ़ी क्लोज कॉल भी है। ये देखें जी क्लियर है, जी क्लियर है, जी क्लियर है भाई जान। आने वाली नाइट फाइनल नाइट जी, आने वाली नाइट फाइनल नाइट। ऑल फ्रेंड वीडियो शेयर अगेन प्लीज, ऑल फ्रेंड वीडियो शेयर। बिल्कुल और तमाम दोस्तों की जो मोहब्बत है वो काबिले दीद है रात के इस पहर में आपने जल्दी से जो है उतना से कर देने हैं लाइव कवरेज में। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बिलाल अहमद जो हमें ज्वाइन कर रखे हैं बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स इन्फो कमेंटेटर जुबैर और नजर सियाल इस मैच में आपको अपडेट देते हुए। मैच सेंसरी ग्रेड में मराइज में दाखिल हो चुका है, क्या यहाँ पे विकेट अगर आता है तो मैच जरूर चेंज होगा यार, बाउंड्री आएगी। बिल्कुल जनाब आप पेंदा स्काय अंपायर सिग्नल शॉट बेहतरीन था लेकिन मखसूस बाउंड्री है इसलिए दो रन जो है वो काउंट होंगे। पूल के अगर इस तरफ से जाता दूसरी साइड से तो बिल्कुल यकीनन ये छह रन थे इसलिए ये रन जो है वो दो अकाउंट होंगे। एक बेहतरीन शॉट खेला था यहाँ पे पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का रीड किया टीका बल्लेबाज खुरम चकवाल केसी टू गेंद आठ रन उस्ताद शकीब का सामना अली इस बॉल पे देखना पड़ेगा गेंद कौन परफॉर्म दे करेगा। अच्छा बॉडी पे बॉल आया ग्राउंड शॉट खेला एक रन का मजीद इजाफा किस बाकी है। उस्ताद अली सियालकोट ऑन स्ट्राइक है 10 बॉलें 33 रन धड़कने तेज। सगीर पठान को मजीद तकड़ी गेंदबाजी करनी होगी, मजीद अच्छे बॉल करने होंगे एक बड़ा मुकाबला जीतने के लिए। उस्ताद अली सियालकोट 10 बॉलें 28 रन केसी 3 बॉल 9 रन सगीर पठान 2 बॉलों पर 7 रन दे चुके हैं और अभी 4 बॉल बाकी हैं। सगीर पठान वन सेकेंड करेंगे बॉल, उस्ताद अली सियालकोट ऑन स्ट्राइक हैं 10 बॉल 33 रन Here we go. Oh my God! लेकिन फिर से 2 रन 31 रन
नाइन बॉल जुबैर मंजूर। बिल्कुल जैसे नजफ आपने यहाँ पे फरमाया था उसी तरह कर रहे हैं बॉलिंग साइड, क्योंकि आप अंदर की तरफ थोड़ा बॉडी पे बॉल करेंगे वो कर, अगर आप बाहर की तरफ आएंगे तो आप एक्स्ट्रा देंगे उसे जो है बेनिफिट बैटिंग साइड ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। लेकिन मैच जो है ऐसा ऐसा सनसनी खेज जो मोड है वो अख्तियार करता जा रहा है। तो इस तरह जो हमारे साथ दोस्त इस टाइम ज्वाइन कर रखे है क्रिकेट की दुनिया पर, मलिक अवैस हमारे साथ, अमार खान, मोहम्मद वकार, मलिक रियाज, मोहम्मद उमार फ्रॉम लाहौर और दानियाल खान आपके महबूब। गेम ऑन है, नेक्स्ट बॉल इस मरतबा अपेंडास का है, कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कनेक्शन लेग की जानिब 6 रन के लिए उस्साम माली सियालकोट, वेरी वेलकम बैक दिस बॉल। ये चेक करें क्या खूबसूरत गुड लेंथ पे बॉल आया जिसे लेग सेंट की जानब कलाइयों का इस्तेमाल किया और आउट ऑफ द पार्क। बेहतरीन यहाँ पे वापसी स्कोर बोर्ड पे 25 रन बाकी हैं 8 गेंदों पे, 8 गेंदे 4 छक्के, 8 बॉलें 4 छक्के हैं, हर दूसरी बॉल पे छक्का लगाना होगा यहाँ पर। उस्साम अली सियालकोट क्लास ऑफ पाकिस्तान, 12 बॉल 36 रन। सगीर पठान फ्रॉम चकवाल, 1 सेकेंड करेंगे बॉल, टीम मीटिंग जारी है इस वक्त। 8 बॉल 25 रन, एक बड़ा मुकाबला जी। सगीर पठान करेंगे 5वां बॉल, सियालकोटी मुंडा अब तक बेहतरीन बैटिंग करते हुए अपनी टीम ताहिर यूनाइटेड के लिए। कौन खेलेगा आने वाली नाइट में फाइनल मुकाबला? सगीर पठान 1 सेकेंड करेंगे बॉल, दौड़ना शुरू किया और यहां पर लेग स्टंप से बाहर बॉल, वाइड बॉल, बाले वही हैं, रन 24 हैं, 8 बॉलें 4 छक्के। बिल्कुल जनाब, 8 गेंदों पे 4 छक्के बाकी हैं, अब देखना पड़ेगा रन चेज करने में कामयाब हो गए। इस तरह जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर जो कमेंट्स है वो रिपीट करते जाएंगे इस सेटअप पे भी। वालेकुम सलाम खालिक भाई, कुछ दोस्त पूछा फाइनल इंशाल्लाह भाई 9 से 9:30 बजे कल एक ही मैच होगा और फाइनल मैच होगा, 8 ओवर मुश्मिल और फाइनल में क्वालिफाई कर रखा है कलंदर ने। वंस अगेन बॉलिंग के निशान पर मौजूद, काफ़ी एक्स्ट्रा रन दे रखे हैं अगर बात की जाए तो, 1 नो बॉल 3 वाइट इस ओवर में दे रखे हैं सगीर पठान ने। इसमें था काफ़ी हाइट पे बॉल और ये जो बॉल है लीगल करार नहीं पाएगा, डेड बॉल। सगीर पठान यहाँ पे बिल्कुल महंगे साबित होते हुए अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंदों को कवर कर रखा है जिसमें 4 लीगल गेंदे हुई हैं और 2 लीगल गेंदे भी बाकी हैं। अगर एक छक्का आ जाता है तो जो पहले ओवर की एवरेज थी वो सेट कर जाएंगे, 20 की एवरेज थी। सामने सेट बल्लेबाज है, 12 गेंदों पे 36 रन बना रखे हैं उस्साम माली ने। सगीर पठान इस माता बेहतरीन स्लो वन बॉल, एक्सीलेंट डिलीवरी, अच्छी वापसी है इस बॉल पे जो वाइट है उसको क्लियर किया डॉट करके। मैच बिल्कुल जनाब यहाँ पे सनसनीखेज होता हुआ, शानदार क्रिकेट जारी है, कभी मैच बॉलिंग रुख पे और कभी बैटिंग रुख पे। क्या लगता है दोस्तों ये बॉल जो है इस ओवर का आखिरी गेंद मैच का बॉल होगा, मैच बॉल होगा, क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है नजीब आपको, यहाँ पे छक्के की अशद जरूरत है उस्साम अली को? जी बिल्कुल, धड़कने तेज़ हो चुकी हैं हमारे क्रिकेट लवर दोस्तों की, भाइयों की, जिसको भी सपोर्ट कर रहा है, बैटिंग को कर रहा है, बॉलिंग का कर रहा है, सभी की धड़कने इस वक्त काफ़ी तेज़ धड़कती हुई। और यकीनन ये बॉल बड़ा अहम बॉल है सगीर पठान फराम चकवाल के लिए और उतना ही अहम उस्साम अली सियालकोट के लिए। अगर यहाँ पर छक्का आता है तो लास्ट 6 बॉल पर 18 रन होंगे, अगर बॉल डॉट करते हैं तो फिर थोड़ी सी मजीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। लास्ट बॉल सात बॉलें 24 रन, सगीर पठान उस्साम अली सियालकोट, लास्ट बॉल हैवी गो और यहां पर 30 बॉल करने के गए और लेग स्टंप से बाहर, अब 23 रन हैं, 7 बॉलें हैं। बिल्कुल जब मैच लूज होंगे तो एक्स्ट्रा रन ज़रूर याद आएंगे सगीर पठान को, को मेरे ख्याल से 2 ओवर कर रखे हैं यहाँ पे और अभी तक ओवर मुकम्मल नहीं हुआ, काफ़ी लंबा ओवर यहाँ पे सगीर पठान का। अगर बात की जाए तो 5 लीगल गेंदों पे 17 रन जिसमें मेरे ख्याल से 5 से 6 रन एक्स्ट्रा के हैं। जी नजब
मिर्जा आफाक गनी भाई जान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, श्री भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। आखिरी बॉल करेंगे उस्साम अली, क्लास ऑफ पाकिस्तान, ऑन स्ट्राइक हैं, डू एंड डाई, बड़ा अहम बॉल दोनों टीमों के लिए। सगीर पठान टू उस्साम अली, लास्ट बॉल, पांचवा ओवर, ओ अच्छा बॉल, वेरी वेल डन सगीर पठान फ्रॉम चकवाल। अब चाहिए रन्स, छः बॉलें 22 रन्स, जुबैर क्या कहेंगे, छः बॉलें 22 रन्स हैं आखिरी ओवर। इस बॉल को डॉट करके जो मैच का रुख है वो चेंज कर दिया है, फिर से जो मैच है वो 60-40 आ गया है। लेकिन खुरम चकवाल अब स्ट्राइक करेंगे, एक बेहतरीन जो है बॉल कर गए, अच्छी वापसी, जो वाइड किया, जो एक्स्ट्रा किया उसको इस बॉल पर कवर कर गए। सगीर पठान एक्सीलेंट बॉल किया, एंड किया इस ओवर का, और अब जो हैं 22 रन बाकी हैं। क्या लगता है दोस्तों, खुरम चकवाल के चाहने वाले, उस्साम अली के चाहने वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, नासिर पठान के चाहने वाले, और आप तमाम दोस्तों की मदद का बहुत शुक्रिया जी। मलिक अवैस भाई आपके जो कमेंट्स है उसका बिल्कुल समझ नहीं आई, हमजा अली भाई हमारे साथ हैं जनाब, आप वीडियो को शेयर करें और ऐसी बात ना करें। पहले पांच बॉलों पर बनेगा, आकिम अरूफ कह रहे हैं क्रिकेट की दुनिया, और तमाम पेजेस पे दोस्तों ने पेज को फॉलो ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। एडमिल क्रिकेट की दुनिया जुबैर मंजूर नजफ सियाल आज को आपको आखिरी मैच में अपडेट देते हुए, मैच जो है बिल्कुल सनसनीखेज मोड़ अख्तियार कर चुका है, जो इस ओवर की पहली चार गेंदें मैच की गेंदें होंगी। अगर पहली दो गेंदों पे दो छक्के आते हैं तो प्रेशर ज़रूर होगा बॉलर पे, अगर पहली दो गेंदें डॉट करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे फिर ड्यू एंड डाई की जो है कंडीशन आ जाएगी, अगर मगर का खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहले दो बॉलें मैच का फैसला करेंगी। स्ट्राइक पे मौजूद है उस्साम अली, नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है केसी। अगर उसामा की बात की जाए काफ़ी सेट हो चुके हैं, 14 गेंदों का सामना कर रहा है इस इनिंग में, 37 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। क्या मैच विनिंग बैटिंग करेंगे उस्सामा अली? तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, कौन करेगा विन, कौन ले जाएगा बाजी, और बॉलर आपको बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे, मेरे ख्याल से मुकामी बॉलर है उसको ओवर दिया जाएगा, और मोहम्मद अब्बास को जो है वो ओवर दे दिया गया है, जो मुकामी बॉलर हैं। जिम्मेदारी आई है, काफ़ी भारी जिम्मेदारी दी गई है, और पहली दो गेंदे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ला जी आखिरी छह बॉल तो रन चाहिए 22, एक बड़ा मुकाबला जी, मकामी गेंदबाज इस वक्त बॉलिंग निशान पर मौजूद, सामने उस्साम अली, क्लास ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ा इम्तिहान उस्साम अली के लिए, बहुत बड़ा मुकाबला जी, डीपीएल सीजन 6 का, छह बॉलें 22 रन, है वी गो, ओ माई गॉडनेस, पहला अच्छा बॉल, और मिलेंगे यहाँ पर दो ही रन, पांच बॉलें 20 रन। बिल्कुल जो अब्बास को समझाया गया, नासिर पठान ने मीटिंग की यही बात की होगी, ये देखें चेक करें, टांगों के बीच में ये बॉल किया और जिसको बाउंड्री की तरफ रवाना नहीं कर पाए उस्साम अली, बाउंड्री की अच्छा जरूरत है, छक्के की अच्छा जरूरत है यहाँ पे, पांच गेंदे 20 रन। अब मैच जो है फिर से बॉलिंग साइड की गिरफ्त में आता हुआ, और ये बॉल फिर से मैच बॉल होगा, क्या लगता है दोस्तों, छक्का जो है बाउंड्री जो है वो बिल्कुल फिर से मैच का रुख चेंज करेगी, क्या इस बॉल पे हिट करेंगे, क्या छक्का लगाने में कामयाब होंगे उस्साम अली? अब्बास फिर से बेहतरीन बॉल करेंगे, बाउंड्री सेव करेंगे, गेम ऑन है, पांच गेंदे रन्स बाकी हैं 20, सनसनीखेज मैच, एलिमिनेटर 2, इस मार पर शानदार बॉल, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, वेरी वेल यार, क्लासिकल यहां पे बॉलिंग करते हुए क्या शानदार, अब ड्यू एंड डाई सिचुएशन आ गई है, उस्साम अली मुकम्मल यहां पे बीट हुए, क्या बेहतरीन लाइन लेंथ पे बॉल किया है, क्या कहेंगे आप नजे मुकामी बॉलर हैं, और बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रेशर नहीं लग रहा जिस तरह की लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं उस्साम अली, थोड़ा सा प्रेशर में मुझे नजर आए हैं, जैसे ये बॉल डॉट हुआ है और उस्साम अली थोड़े से प्रेशर में, प्रेशर से निकल कर खेलना होगा
अभी भी चार बले हैं, 20 रन हैं। एक बहुत बड़ा मुकाबला है जी आज की रात का उषा माली सलकट। वड़ा मैच यार, वड़ा मैच, वेरी वेल डन आर राइजिंग स्टार ऑल टीम तमोन न्याजी, नास भटान, रबाडा, सगीर भटान एंड उमेर भट्ट, वेरी वेल डन आवर टीम। जी तो अब चार बॉले हैं, तीन छक्के हैं, चार बॉले 19 रन, वड़ा मैच, डीपीएल सीजन 6 जिंदाबाद, प्राउड ऑफ देपाल पर जनाब मियां बिलाल उमर बोदरा साहब, वेरी वेल डन एंड ऑल टीम डीपीएल सीजन 6। सामाली सर्कट, चार बॉले 19 रन, क्या बना पाएंगे, क्या चार बॉलों पर 19 रन बना पाएंगे उस सामाली सर्कट। हियर वी गो वंस अगेन, और यहां पर अगेन वाइड बॉल, ओ माय गॉड, धड़कने तेज। बिल्कुल जनाब, ये दो जो वाइट हैं ये प्रेशर जरूर आएगा बॉलर पे। मैच में मेरे ख्याल से थोड़ी सी वापसी आई है बैटिंग साइड पे। अब यहाँ पे क्या इन दो वाइट का फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे उसामा अली, क्या बॉल का कनेक्शन कर पाएंगे। अब चार गेंदों पे जो तीन छक्के हैं वो मैच विन करवाएंगे, तीन बाउंड्रियाँ मैच विन करवाएंगी। और क्या बेहतरीन मैच जारी है, क्या शानदार क्रिकेट जारी है। फिर से मैच का रुख चेंज, रात के इस पैर शानदार क्रिकेट, जो सोए हुए लोग हैं वो जाग उठे हैं। और बिल्कुल जनाब, जाने को दिल नहीं कर रहा दोस्तों का, बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि ये जो मैच है ये आखिरी गेंद तक जाएगा। दोनों शानदार टीमें हैं और एलिमिनेटर टू का राउंड ये खेल रही हैं, फाइनल के लिए जाना है। और डीपीएल से आउट होने को किसी टीम का दिल नहीं करता, किसी प्लेयर का ये टूर्नामेंट छोड़ने को दिल नहीं करता। क्या फाइनल में कौन टकराएगा कलंदर से, चार गेंदें फैसला करेंगी। वंस अगेन अब्बास, चार बॉले अब्बास बॉलिंग पर मौजूद, हैवी गोल, नेक्स्ट बॉल दौड़ना शुरू करेंगे। और यहां पर 6 रन्स, व्हाट अ ग्रेट, ओ माय गॉडनेस, आउटस्टैंडिंग शॉट यहां पे नजब, क्या बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल किया, क्या शानदार माहौल इस टाइम बन चुका है। आप देख सकते हैं कैमरा वर्क, ये देखे क्या शानदार शॉट खेला, और बिल्कुल लेग स्टंप की जो बाउंड्री है उसको क्लियर किया, काफी दूर जाके ये बॉल गिरा, काफी पावर फुल शॉट खेला यहाँ पे। व्हाट अ ग्रेट कमबैक, ये है क्रिकेट, ये है टेप बॉल, ये है डीपीएल सीजन 6। व्हाट अ मैच यार, अब चाहिए तीन बॉल, दो सिक्स, तीन बॉलों पर दो छक्के हैं। क्या लगता है दोस्तों, उषा माली सालकोटी मुंडा क्या इस मैच के हीरो बनेंगे, क्या डीपीएल सीजन 6 का फाइनल मैच खेलेंगे। और यहाँ पर गेंदबाज के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है अपनी टीम के लिए। कौन कहता है केसी वर्सेस टीएम फाइनल आएगा, कौन कहता है नासर पठान वर्सेस टीएम फाइनल आएगा, उसामा अली वर्सेस छोटा विकी फाइनल आएगा। जल्दी से कमिट्स करने हैं, उसामा अली अगर एक छक्का और आ गया तो बॉलर पे प्रेशर जरूर होगा, फिर जो है वो रन रोकना मुश्किल हो जाएंगे। तीन गेंदे 14 रन बाकी हैं, रकीब लेफ्टी हैं बॉलिंग पर जी, आप हमें दोस्त ने बता दिया रकीब लेफ्टी, और रकीब लेफ्टी है जी गेंदबाजी पर। तीन बॉले हैं, 12 रन हैं, डीपीएल सीजन 6। लाजी रकीब लेफ्टी,
बिल्कुल जनाब, उनकी शर्ट पे अब्बास लिखा था माजरा रकीब लेफ्ट है। बॉलिंग के निशान से दौड़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे बॉल डिलीवर किया, जबरदस्त बॉल, वंस अगेन फिर से वापसी, फिर से हालचाल, रन नहीं लिया। खुरम चकवाल नाराजगी का इजहार करते हुए, किंग ऑफ एशिया सामना करना चाहते थे, ये है क्रिकेट, कभी इस रुख कभी उस रुख। ओ माय गॉडनेस, व्हाट अ मैच, क्या लगता है दोस्तों, बैटिंग या फिर बॉलिंग? नासिर खान, ये है डीपीएल, ये रंग है डीपीएल का, शाइकने क्रिकेट, कुछ सो रहे हैं लेकिन डीपीएल वाले जाग रहे हैं जनाब, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, और बिल्कुल यहां पे शानदार क्रिकेट जारी है। मीटिंग सिर जुड़ चुके हैं, आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को जरूर शेयर करना है, और बिल्कुल 12 के तक जाना है जनाब, केसी आएगा या नासिर पठान आएगा फाइनल में। मैच में छक्का लगा के थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा किया था, लेकिन डॉट बॉल करके फिर से बॉलिंग साइड पे मैच चला गया। अब ये बॉल जो है अगेन मैच बॉल होगा, तीन गेंदे दो छक्के में अटाई, तीन बाउंड्रियां मैच विन करवाएंगी, सॉरी तीन गेंदे तीन ही छक्के, 14 रन बाकी हैं, दो बॉले हैं जुबैर और 12 रन है। आप मेरे ख्याल में होश खूब बैठे इस वक्त, बिल्कुल लम्हात है, दो गेंदे माजरा 12 रन बाकी हैं, 45 अगर छक्का लगाते हैं तो 50 रन मुकम्मल हो जाएंगे। इस बॉल पे छक्का आ गया तो आखिरी बॉल पे मैच चला जाएगा, कौन कौन कहता है इस बॉल पे छक्का आएगा? हाफिज नौमी, आमर खान और नाम हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं टीएम विस्केसी, नासिर पठान विस टीएम, जाहिद कह रहे हैं, मोहम्मद खालिद भाई कह रहे हैं बंदा बॉलिंग विन करेगी, यू टर्न ले रही है खालिद भाई ने, गेम ऑन है, गेम ऑन है, हियर वी गो, ये बॉल मैच बॉल होगा, इस बॉल पे अगर छक्का आएगा तो आखिरी गेंद तक मैच जाएगा। रकीब टोसामली धड़कने तेज, हियर वी गो, ओ ओ माय गॉडनेस, मैच लूज करवा दिया यहाँ पर, वेरी वेल डन, राइजिंग स्टार ऑल टीम ऑल स्पॉट रन, एक बड़ा मुकाबला, रकीब की बेहतरीन बॉलिंग, ये है क्रिकेट, क्या शानदार, मकामी बॉलर पे जिम्मेदारी डाली गई बाखूबी, है देखे क्या खूबसूरत लाइन लाइन पे बॉल किया यार, थोड़ा सा जो है वो वैरायटी को यूज किया, थोड़ा पेस को बदला, उसामा अली सियालकोट यहाँ पे मुकम्मल तौर पे डोट हुए, मैच को विन नहीं करवा सके, और आप तमाम दोस्तों की जो मोहब्बत है वो काबिले दीद, रात के इस पहर तमाम पेजिस पे जो लोग मैच देख रहे हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, वारस अली जट पेज, क्रिकेट की दुनिया, सियालकोट क्रिकेट, डीपीएल पेज, मेहर आरव सियाल, आरजे आगा, क्रिकेट स्पोर्ट्स, आल पंजाब, और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट, आप तमाम, और वसीम अकरम टेबल क्रिकेट, आप जितने भी पेजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तमाम दोस्तों के जितने भी हमारे साथ पेजेस हैं, जितने भी दोस्त इस टाइम देख रहे हैं, आप तमाम दोस्तों का, तमाम क्रिकेट लवर का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कल फाइनल मैच है वो इंशाल्लाह 9:30 बजे खेला जाएगा। अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि बॉलिंग साइड मुगल स्टार वर्सेस कलंदर, लेकिन क्रिकेट है, आखिरी गेंद अभी बाकी है, 10 रन चाहिए, लीगल गेंद एक अभी बाकी है, एंड अभी इस बॉल का देखना बाकी है। एक बॉल अभी बाकी है, क्रिकेट है, लीगल बॉल, क्योंकि नजफ क्या कहेंगे, मियां चन्नू की सरजमीन पे दो गेंदों पे मेरे ख्याल से 10 रन चाहिए थे, और 10 रन हो गए बगैर गेंद के, 10 रन हो गए, ये क्रिकेट है, दो गेंदे स्टिल बाकी थी तो एक्स्ट्रा के रन आए थे, अब देखना पड़ेगा। बॉलिंग के निशान पे मौजूद, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, 22 रन चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 12 रन दिए, 5 लीगल गेंदों, और यहाँ पर मैच विन कर लिया है राइजिंग स्टार, वेरी वेल डन,
ओह माय गॉडनेस आउ फाइनल बम बम टेबल पाकिस्तान तैमूर मिर्जा बम कबला नासिर पठान। क्या आप देख सकते हैं बेहतरीन सेलिब्रेशन उसाम अली, बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा परेशान आप देख सकते हैं, सैड नजर आ रहे हैं उसाम अली। बड़ी शानदार बेहतरीन बॉलिंग, ये देखें बॉलर को अप्रिशिएट किया जा रहा है, बॉलर का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और बिल्कुल बनता भी है जनाब। एक बड़े मैच में, एक बड़े टूर्नामेंट में, जब पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जाता है, एलिमिनेटर राउंड से मुराद के सेमीफाइनल में क्या शानदार बॉलिंग की अगेंस्ट पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के खतरनाक हाई प्रोफाइल बल्लेबाज के अगेंस्ट उसाम अली सियालकोट। बिल्कुल जनाब ने सियालकोटी मुंडा टेबल क्रिकेट में कहा जाता है, उनका बल्ला खामोश किया, चार रन से मैच। वेरी वेल डन ताहिर यूनाइटेड ऑल टीम किंग ऑफ एशिया, वेरी वेल डन उसाम अली, वेरी वेल डन जैन लेफ्टी एंड ऑल टीम, वेरी वेल डन। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी डीपीएल लास्ट नाइट में और फाइनल मैच खेला जाएगा राइजिंग स्टार बामुकाबला कलंदर, तमोर मिर्जा से नासिर पठान। गुड नाइट ऑल ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम नासिर।